हमारी क्लास क्यों नहीं दिख रही ऐप पर तो हुआ है जस्ट अ सेकेंड हेलो बच्चों गुड इवनिंग गुड इवनिंग रजा आकाश रिजवाना सौम्या हाय एवरीवन गुड इवनिंग कैसे हो सब लोग यस ऐप पर शायद क्लास हमारी चल नहीं रही है कोई बात नहीं हम जो है यहीं पर कंटिन्यू करते हैं यूट्यूब पे ही कंटिन्यू करते हैं यस सैंपल पेपर थ्री के लिए रेडी हो तुम लोग बायो के सैंपल पेपर थ्री के लिए यस हाय एवरीवन गुड इवनिंग गुड इवनिंग कैसा चल रहा है प्रिपरेशन यस चलिए आई होप सब लोग एम बाइबलेंस ऐप यूज कर रहे हैं और सबने बायो का टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लिया है जहां पर आप कभी भी डाउट पूछ सकते हैं तो अगर आपको ऐसा कोई प्लेटफॉर्म चाहिए जहां पर मुझे कभी भी ऐसा लगता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो मैं वैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बायो हैंकस के टेलीग्राम चैनल पर आप लोग के साथ शेयर कर, कर, करती रहती हूँ येस प्लस आपको मैंने कुछ कुछ हैंड रिटन नोट्स भी प्रोवाइड कराए हैं यस yes, हमारे न्यू सिलेबस के हिसाब से एनसीआर के सारे पॉइंट्स कवर करते हुए हैंडराइटर नोट्स भी मैंने प्रोवाइड कराए हैं आप वो भी यूज कर सकते हैं अपने प्रिपरेशन के लिए ठीक है यस yes. आप कैसी हैं मैम मैं, मैं एकदम बढ़िया हूँ मजे में हूँ यस चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन आज का पेपर तीन घंटे का ठीक है सत्तर मार्क का सारे क्वेश्चन कंपलसरी वही रूल्स है जो कल भी देखे थे ठीक है जो नए लग आए हैं उनको बता दू सेक्शन ए में सोलह क्वेश्चन होते हैं एक एक मार्क के ठीक है यानी सेक्शन ए में एक मार्क का सोलह क्वेश्चन होता है ठीक है सेक्शन बी में दो मार्क का क्वेश्चन होते हैं यस जो कि पांच क्वेश्चन होते हैं जो सेक्शन सी होता है उसमें तीन मार्क के क्वेश्चंस होते हैं सात क्वेश्चंस होते हैं जो आपने करने होते हैं सेक्शन डी जो होता है वो आपके चार मार्क के क्वेश्चन होते हैं जिसमें आपको जो है दो केस बेस्ड क्वेश्चन करने होते हैं ठीक है और जो सेक्शन ई होता है उसमें आपको पांच मार्क के क्वेश्चन आते हैं जिसमें से अगेन आपको तीन क्वेश्चन करने होते हैं ठीक है तो ये आपका इस तरीके से कुछ क्वेश्चन फ्रेम होता है कब तक तो चलेगा क्लास बस बेटा जैसे ही हमारे सारे क्वेश्चन डिस्कस हो जाएंगे वैसे क्लास खत्म हो जाएगी। वैसे तो अब तक मैंने जितने भी सैंपल पेपर्स करवाए, अब तक मैंने तुम को तीन सैंपल पेपर्स करवा दिए तीनों सैंपल पेपर्स में हम लोग को एटलीस्ट डेढ़ घंटा से दो घंटा तो लगा ही है मिन, मतलब मैक्स बोल रही हूँ मैक्स मिनिमम नहीं सॉरी एटलीस्ट नहीं एटलीस्ट डेढ़ घंटा तो लगा मैक्स दो घंटे के ऊपर तो नहीं गया अभी तक है ना बाकी तुम लोग के ऊपर भी डिपेंड करता है तुम लोग कितना स्पीड से फटाफट फटाफट कोऑर्डिनेट करके मेरे को आंसर बताते जा रहे हो येस ताकि हम ऐसा जहां पर ज्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत पड़ती है जह, जहां पर क्वेश्चन तुम लोग को कंफ्यूजिंग लगता है वहां पर मुझे ज्यादा बोलना पड़ता है जहां पर नहीं जरूरत होगी वहां पर मैं बकवास नहीं करूंगी है ना यस तो उसी स्पीड से करेंगे देखो आकाश ने तो एग्जैक्ट नंबर <laughs> yes, नहीं लगेगा ठीक है अराउंड विच डे देखो कौन से डे पे सबसे ज्यादा आएगा ऑब्वियसली जिस दिन हमको एल एच सर्च देखने मिलता है एल एच सर्च की वजह से हमको पता है हमारा क्या होता है ओविलेशन होता है और ये कौन से दिन पर होता है yes, ये कौन से दिन पर होता है जल्दी 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 जल्दी, जल्दी आंसर फटाफट यस कम बिल्कुल डे yes. पर होता है यानी आंसर हमारा ए होना चाहिए बराबर यस फोर्टीन डे पर होता है जहां पर आपका एल एच होता है वेरी नाइस नेक्स्ट सिलेक्ट द करेक्ट मैच इसमें से करेक्ट मैच कौन सा है वो देखना है लोकेशनल एमिनोरिया यस ये लोकेशनल कैसे हो सकता है लोकेशनल <laughs> एमेनोरिया ये कौन सी नई बीमारी आ गई लैक्टेशनल एमेनोरिया <laughs> यस लैक्टेशनल एमेनोरिया आईसीएसआई ट्यूबेक्टोमी ओरल कॉन्ट्रोसेप्टिव आपका रिप्रोडक्टिव हेल्थ से क्वेश्चन है ये और कॉलम बी में दिया है मैच करना है पहले तो देख लो कोई ऐसा ऑप्शन है जो सब अलग अलग हो सब अलग अलग हो ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है चलो मतलब हफ्ते को सॉल्व करना पड़ेगा <laughs> यानी कि उस टाइम पर जब लैक्टेशन होता रहता है तब आपको जो है पीरियड्स नहीं हो रहे हो रहे हैं यस yes. तो फिर वो है आईसीएसआई है सीधा साइटोप्लाज्म के अंदर जो है इम्प्लांट कर दिया इंजेक्ट कर दिया आपके डायरेक्टली इंजेक्टिंग स्पर्म इनटू द ये ये देखो पहला ही ऑप्शन आ गया डायरेक्टली इंजेक्टिंग स्पर्म इनटू द ओवम यानी कि बी का ऑप्शन वन है बी का ऑप्शन वन कहा है यहां पे भी है यहां पर भी है चलो दो ऑप्शन निकल गए यस लैक्टेशनल एमेनोरिया सपरेशन ऑफ गोनाडोट्रोपिन या फिर Uh, आपका फाइव दिया है इम्प्लांट अंडर द स्किन बिल्कुल नहीं ट्यूबेक्टोमी ट्यूबेक्टॉमी uh, क्या है ये yes, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैमेट्स को बिल्कुल सही ओरल कॉन्ट्रोसेप्टिव क्या करता है ओरल कॉन्ट्रोसेप्टिव आपके यस yes. क्या बात है सना वेरी नाइस nice. जी तो ऑप्शन सीधा सीधा हमारा क्या हो गया कि हमारा ऑप्शन ए हो गया बराबर यस yes. तो हमारा लैक्टेशनल एमेनोरिया हो गया सप्रेशन ऑफ द गोनाइडोट्रोपिन क्योंकि उस टाइम पे पीरियड्स नहीं हो रहे आईसी ऐसे हो गया सीधा इंजेक्ट कर दिया स्पोम को ट्यूबेक्टोमी हो गया कि ये जो है ट्रांसपोर्ट नहीं होने देता ओरल में क्या हो गया कि ये जो है ओविलेशन एंड इम्प्लांटेशन को रोकता है तो बिल्कुल आपका ऑप्शन ए हो जाता है ठीक है यस चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इन सिकल सेल अनेमिया सिकल सेल अनेमिया में एट विच पोजीशन अमीनो एसिड गेट्स चेंज्ड कौन सा कौन से पोजीशन पे ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है यस yes, बहुत ही एक स्टेटमेंट में क्वेश्चन दिया है ग्लूटामिक एसिड जो होता है सिकल सेल अनेमिया में क्या होता है ग्लूटामिक एसिड का एक पोजीशन चेंज हो जाता है बीटा ग्लोबुलिन चेन में बाय वैलीन यस कौन सा पोजीशन

तुम लोग के कमेंट्स ना दिख नहीं रहे मुझे बराबर से ऐसे रख देती हूँ दिखे ठीक है बिल्कुल चलिए तो ये तो हो गया हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर फोर पी प्लस क्यू द होल स्क्वायर ठीक है रिप्रेजेंट एन इक्वेशन यूज्ड इन विच थ्योरी uh, ये yes, पहला है पॉपुलेशनल जेनेटिक्स दूसरा है मेंडेलियन जेनेटिक्स दूसरा है बायोमेट्रिक्स या फिर डी uh, है आपका मोलिकुलर uh, जेनेटिक्स ये तो हमको पता है हार्डी बिनबग इक्विलिब्रियम इक्वेशन है बट ये किस चीज के बारे में बताया गया था किस चीज को लेके ऑब्वियसली पॉपुलेशन को पढ़ने के लिए बराबर तो आंसर ये होना चाहिए हार्डी बिनबक का इक्वलिब्रियम है भैया है ना ये एवोल्यूशन चैप्टर का क्वेश्चन नंबर फाइव अकॉर्डिंग टू ओपेर ओपेरिन ने बोला विच वन ऑफ द फॉलोइंग फॉलोइंगज नॉट प्रेजेंट इन द प्रेटिव एटमोसफियर ऑफ द अर्थ क्या नहीं था पुराने अर्थ पे क्या नहीं था कैसा था रिड्यूस्ड एटमॉस्फेयर था राइट right? हमारा पुराना अर्थ कैसा था रिड्यूस्ड एटमॉस्फेयर था तो आखिर उसको रिड्यूस क्यों बोला है उसके पास ऐसा क्या नहीं था यस yes. हां जी क्या नहीं था उसके पास बिल्कुल यस yes. ऑक्सीजन नहीं था जिसकी वजह से उसका एनवायरमेंट के साथ आप एनवायरमेंट था है कि नहीं यस yes. चलो सिक्स क्वेश्चन कैंसर जीन को हम क्या कहते हैं कौन सा जीन है जो कैंसर करता है स्ट्रक्चर जीन एक्सप्रेसर जीन या फिर रेगुलेटरी जीन आंसर क्या होगा बिल्कुल सही सिंपल सिंपल क्वेश्चन है ये यस कैंसर कॉजिंग जीन बिल्कुल सही आकाश यस रिजवाना यस सना एप्सोलूटली राइट और जीन्स होंगे हमारे जो कि कैंसर कॉज करता है बिल्कुल सही नहीं फैलता ट्रांसमिशन ऑफ कंटेटेड ब्लड शेयरिंग ऑफ इन्फेक्टेड नीडल ये तो फैलता है दोनों से शेयरिंग हैंड्स विद इन पर्सन याद इन्फेक्टेड पर्सन ऑब्वियसली हाथ मिलाने से थोड़ी आपका सेक्शुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन हो जाएगा बिल्कुल यस yes, क्या बात है स्पीड अच्छी है तुम लोग की आज गुड जॉब गुड जॉब नेक्स्ट मिथानोजेंस ग्रोइंग एन ऑन आपका सेलुलोजिक मटेरियल प्रोड्यूस डैश मिथानोजेंस जो होते हैं जो कि एन ग्रो होते हैं आपके सेलुलोजिक मटेरियल्स पर वो क्या प्रोड्यूस करते हैं क्वेश्चन नंबर आठ यस यानी कि बेसिकली इनडायरेक्टली पूछा है कौन से मेजर गैसेस होते हैं जो कि बायोगैस बनाते हैं येस yes, क्योंकि मिथानोजेंस किसमें यूज होते हैं बायोगैस बनाने में तो बायोगैस के मेजर गैसेस कौन से हैं जो गैस मेजर गैसेस नॉट द मोस्ट मेजोरिटी गैस यस वेरी नाइस रिजवाना बिल्कुल यस आंसर शुड बी डी बच्चा मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड हाइड्रोजन तीनों होगा एक ही नहीं होता मीथे हाँ इसमें ये पूछेंगे कि कौन सी गैस होती है जो बायोगैस में प्रेजेंट होती है तो बेटा मीथेन होगा बट यहाँ पे क्या क्वेश्चन है मिथानोजन जो है कौन से कौन से चीजें प्रोड्यूस कर रहे हैं तो मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड हाइड्रोजन तीनों गैसेस होंगे यस yes, एक्स्ट्रा में है तो नीट का एग्जाम दे सकता हूं ना मैं यस yes, बिल्कुल दे सकते हो यस yes. चलो फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल इथेनॉल का प्रोडक्शन यस द मोस्ट कॉमन सबस्ट्रेट कौन सा यूज होता है यस सोया मील मोलासिस ग्राउंड ग्राम या फिर कॉन मील चलो बताओ डिस्टली में फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल कौन सा सबसे ज्यादा यूज होता है ये आपका माइक्रोब्स ह्यूमन वेलफेयर वाला क्वेश्चन में चैप्टर का यस yes. बिल्कुल नहीं अगेन डीडीडी नहीं होगा मुलासिस होगा इथेनॉल इथोनॉल मुलासिस से होगा ठीक है क्या है आंसर इसका मुलासिस होगा ओके okay? किसने बोला है बी लिखने दो ओनली फॉर

<coughs> क्या बात है क्या बात है बेटा अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में कैसे नहीं होता इथेनॉल के साथ इथेनॉल के साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी तो रिलीज होता है कैसी बातें कर रहे हो एरोबिक रेस्पिरेशन में तो होता ही होता है वो तो ज्यादा होता है यस yes. प्लांट्स में भी अगर रेस्पिरेशन हो रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड तो होगा ही रिलीज सिर्फ लैक्टेड फर्मेंटेशन में नहीं होता यस yes. किसमें नहीं होता लैक्टेड फर्मेंटेशन में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं होता है समझ में आया ए होगा आंसर इज इज क्लियर एवरी जरा सब लोग आज पहले अपने पेपर में लिख के रखो अपने अ, कहीं पे तो पे, अ, फोन में पेपर में कहीं पे लिख के रखो भैया हमको लैक्टिक लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन का रिएक्शन देखना है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन का रिएक्शन जाकर देखो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ है या नहीं हुआ है ठीक है यस क्वेश्चन नंबर 11 द फर्स्ट एवर ह्यूमन हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी इज कौन सा हार्मोन प्रो इंसुलिन प्रोजेस्ट्रॉन ईस्ट्रोजन या फिर अच्छा प्रोजेस्ट्रॉन दो दो बार क्यों लिखा है चलो कुछ और पकड़ लो ग्रोथ हार्मोन थायरोक्सिन यस कौन सा होगा इसका आंसर बिल्कुल सही यस yes. इंसुलिन था सबसे पहला जो इकोलाई e. के हेल्प से हमने बनाया था है कि नहीं यस एब्सोल्युटली राइट नेक्स्ट व्हाट इज द इकोलॉजिकल निश इकोलॉजिकल निश हम किसको कहते हैं ओशन को इकोलॉजिकल एडेप्टेड जोन को या फिर द फिजिकल पोजीशन एंड फंक्शनल रोल ऑफ अ स्पीशीज विद इन द कम्युनिटी को या फिर फॉर्मड ऑफ ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स लिविंग इन अ लेक किसको व्हाट इज एन इकोलॉजिकल निश यस क्या बात है क्या बात है यस yes. बहुत सही आकाश ओनली फॉर द नोन मेरा नाम क्या है तुम्हारा ये क्या ओनली फॉर द नोन क्या होता है यस yes. रजा ओके okay. चलो बहुत सही यस बी होगा आंसर कि जो फिजिकल पोजीशन होता है एंड फंक्शनल रोल होता है एक स्पीशीज का जो वो कम्युनिटी में आ, जो है अदा करता है है कि नहीं तो आंसर सी होगा उसी को हम कहते हैं कि निश क्या है ठीक है कि आप एक पर्टिकुलर हैबिटेट में रह रहे हैं उस इकोसिस्टम में रह रहे हैं प्लस आप क्या रोल प्ले कर रहे हैं कुछ ना कुछ तो रोल प्ले करेंगे है ना तो वो जो है आपका निश बताता है ठीक है यस नेक्स्ट शिवा ओके okay, शिवा अ असर्शन रीजन वाले क्वेश्चंस हैं अभी से सारे के सारे असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन होंगे uh, हम लोग को करने हैं 13 से 16 तक ठीक है चलो कैसे सॉल्व करना है अगेन वापस बता देती हूँ सबसे पहला स्टेप असर्शन रीड करो सही है या गलत है पता करो दूसरा स्टेप रीजन रीड करो सही है या गलत है पता करो अगर रीजन सही है तो देखो असर्शन रीड करो फिर उसके बाद लगाओ क्यों या फिर बिकॉज और फिर रीजन को पढ़कर देखो रीजन सही बैठ रहा है या नहीं ठीक है यस कैन हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स क्लियर नीट एग्जाम बिल्कुल भाई किसने बोला हिंदी मीडियम वाले नीट नहीं क्लियर करते बिल्कुल करते हैं उधर तो हिंदी में भी दिया रहता है ना तुम लोग को ऑप्शनल सब्जेक्ट मतलब लैंग्वेज में तो हिंदी मीडियम वाले क्यों नहीं करते बिल्कुल करते हैं बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं कि हिंदी मीडियम वाले वीक होते हैं ये होते हैं वो ऐसा है कुछ नहीं है बेटा गलत फहमी है ये ऐसे गलत गलतफहमी के शिकार ना बने <laughs> चलो नेक्स्ट असर्शन क्या दिया है फिटनेस इज द एंड रिजल्ट ऑफ द एबिलिटी टू अडैप्ट एंड गेट सिलेक्टेड गेट सिलेक्टेड बाय नेचर यस अब बताओ ये सही है या गलत है फिर रीजन पढ़ो अडैप्टिव एबिलिटी इज इनहेरिटेड एंड इट हैज जेनेटिक बेसिस यस सो क्वेश्चन नंबर 13 क्या है रीजन फिटनेस असर्शन दिया है यस yes.

ए अरे बी क्यों बोल रहे हो तुम लोग करेक्ट है ना एक्सप्लेनेशन तो असर्शन का ठीक है क्यों क्योंकि फिटनेस जो है है वो एंड गेट सिलेक्टेड बाय द नेचर और प्लस वो इसीलिए है क्योंकि वो जेनेटिक बेसिस पर होता है ठीक है यस हाय फलक चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अरे सॉरी सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्टीन पे असर्शन दिया है

पहली बात कन्वर्जेंट एवोल्यूशन में होमोलोगस कब से होने लगा हमने क्या पढ़ा था एच डी ए सी एच डी ए सी एच डी क्वालिटी की ए सी एच डी मतलब होमोलोगस होमोलोगस डाइवर्जेंट ए क्या है एनोलोगस कन्वर्जेंट इसमें बोला कन्वर्जेंट है और बोलता है होमोलोगस है कैसे हो सकता है रीजन तो गलत है भैया रीजन गलत है बट असर्शन जो होता है एनिमल्स विद द सेम स्ट्रक्चर डेवलप्ड अलॉन्ग डिफरेंट डायरेक्शन ड्यू टू अडेप्टन टू डिफरेंट नीड्स बिल्कुल सही बात है यानी कि असर्शन सही है बट रीजन गलत है हाँ या ना ये स्टेटमेंट वन इज करेक्ट वाइल स्टेटमेंट टू इज इनकरेक्ट ठीक है यस बिल्कुल सॉरी बराबर नेक्स्ट अ नेटवर्क ऑफ फूड चेन्स एग्जिस्टिंग टुगेदर इन एन इकोसिस्टम इज नोन एज फूड वेब और रीजन दिया है एन एनिमल लाइक काइट कैन नॉट बी अ पार्ट ऑफ फूड वेब बताओ क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन यस ट्रू सब लोग को सी लग रहा है एवरी वन इज गोइंग विथ सी सबको लग रहा है कि आर फॉल्स है So, क्या काइट काइट जो होता है आपका यस वो काइट नहीं आएगा उसमें बताओ ये तो कंफ्यूजिंग लग रहा है तुम लोग को यस इतना अलग अलग आंसर इतना अलग अलग आंसर तुम लोगों को क्या लगता है एनिमल लाइक कैट कैन नॉट बी अ पार्ट ऑफ फूड वेब यस डू यू थिंक सो काइट देखो यस दैट्स ट्रू क्यों क्योंकि कंप्रेसिबिलिटी जो फैक्टर होती है यस इट कैन नॉट बी डिराइव फ्रॉम आपका जो छोड़ो ये सब छोड़ो इतना डिटेल में नहीं जाते बट कौन है कंज्यूमर कौन है काइट का

मेरे प्री बोर्ड में आया था अच्छा यही पेपर आया था हाँ वैसे यही सब सर्कुलेट होता रहता है वैसे तो सील लॉक किया जा रहे हैं वहाँ पे इतना इतना डिकम्पोजर्स यस नहीं बेटा काइट जो होते हैं यस जो काइट होता है वो आपका बेसिकली क्या होता है नेट जो ए, आ,

सी मार्क करना है तुम लोग को सी लॉके अच्छा सब लोग एकदम वो है कि भाई सी ही होगा ठीक है इट कैन बी पार्ट ऑफ इट एज इट इज नॉट डेट्रीओवर यस राइट बराबर परफेक्ट ठीक है चलो सी 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 ट्रू सी ट्रू सी ट्रू ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन पे आता है सो क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन इज गिवेन बिलो इज द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ इवन क्वार्ट स्टडी द डायग्राम जो कि बहुत क्लियरली दिख नहीं रहा है इसमें ठीक है मैं लिख देती हूं यहां पर ईवल क्वार्टेड ठीक है उसके ऊपर है हैबिटेट लॉस एंड फ्रैगमेंटेशन ठीक है यहां पर है ओवर एक्सप्लोइटेशन ठीक है वो दिख नहीं रहा है ना तुम लोग को इसलिए मैंने सोचा लिख देती हूँ रुको मैं हाइड कर देती हूँ अपने आप को यस उसका है ओवर एक्सप्लॉयटेशन नीचे दिया है को एक्सटिंक्शन और यहां पर दिया है एलियन स्पीशीज इन्वेजन ठीक है इकोलॉजी का क्वेश्चन है ये बिल्कुल अब ये क्वेश्चन नंबर 16 में असर्शन दिया इट इज दैट डिस्क्राइब द रीजन दैट एक्सटेंशन ऑफ स्पीशीज और रीजन दिया है कि द इविल क्वार्टेट इज फॉर बायोडाइवर्सिटी लॉस यस तो इसका आंसर क्या होगा बोथ असर्शन रीजन दोनों ही क्या है इकोलॉजी चैप्टर का है बेटा ये इकोलॉजी का यस yes. दोनों ही क्या है दोनों ही गलत हैं दोनों ही गलत स्टेटमेंट है बराबर की नहीं तो इसमें होगा कि बहुत आपका असर्शन रीजन दोनों ही क्या है गलत है ठीक है यस सो so, क्यू ऐसा देर आर फोर मेजर कॉजेस इवल क्वार्टर का देर आर फोर मेजर कॉजेज ठीक है ऑप्शन ई ऑप्शन ई क्यों होगा डी <laughs> चलो नेक्स्ट सेक्शन बी पे आ रहे हैं, अभी अब हम सेक्शन बी चालू कर रहे हैं ठीक है आ जाओ क्वेश्चन नंबर यस पासिंग ईयर गलत हो गया मैम मेरा अरे तुम लोग टेलीग्राम पे क्या मैसेज कर रहे हो मेरे को एक बात बताओ जिसने जिस ये भरा क्या बोलते हैं फॉर्म भरा तुम लोग ये बेसिक मिस्टेक्स मैंने देख रही हो कोई बोल रहा है कि मैंने पासिंग फॉर्म अभी भी किसी का आया मैम मैंने सिग्नेचर किसी और का डाल दिया ये पॉसिबल कैसे हो पाता है मेरे को बताओ ये कैसे पॉसिबल कर पाते हो तुम लोग इतना इम्पॉसिबल चीज को पॉसिबल कैसे कर लेते हो तुम लोग ऐसा 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 इतना ओ, भारी टैलेंट टैलेंट तुम को कैसे दिया भगवान ने कि तुम लोग किसी और का जो है सिग्नेचर अपलोड कर देते हो सिग्नेचर करोगे तो खुद का ही करोगे फोटो खींचोगे खुद का ही खींचोगे फिर उसके बाद अपलोड करोगे खुद का ही अपलोड करोगे दूसरे का कैसे अपलोड हो जाता है भैया ये मेरे को पल्ले ही नहीं पड़ता हर साल में देखती हूँ हर साल कोई ना कोई एक बच्चा मैम मैंने सिग्नेचर किसी और का डाल दिया मैम मेरा परसेंटेज गलत चला गया अरे कैसे हो जाता है ये <laughs> But anyway, चलो हम अपन अपने, अपने बोर्ड्स पे ध्यान देते हैं yes. <laughs> In the, uh, TS, yes. Form की है है अभी मार्च तक का है, लेकिन उसमें तुम को वो भी मिलेगा। mm, correction window भी मिलेगा होगा एक हफ्ते के लिए शायद देखते हैं ठीक है आइडेंटिफाई करो ए बी एंड द फंक्शन ये ए क्या है और बी क्या है ठीक है तो ए क्या है भैया हमारा टिश्यू है

परफेक्ट यस yes. चलो नेक्स्ट पे आते हैं इज हीमोफीलिया इन ह्यूमन लिंक्ड और डिसऑर्डर वर्क आउट अ क्रॉस इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर क्वेश्चन नंबर 18 का दिया है कि हीमोफीलिया कैसा है हीमोफीलिया ऑटोजोमल डिसऑर्डर है या सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर है और आपको एक क्रॉस करके बताना है तो पहले तो हीमोफीलिया क्या है वो बता दो तुम लोग सेक्स लिंक्ड है, है कि नहीं यस yes, हीमोफीलिया कैसा होता है हीमोफीलिया सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर होता है वो भी कौन सा Irresisive या डोमेटिव डोमिनेटिंग रेसेसिव होता है है ना यस रेसेसिव हीमोफीलिया का बना सकते हो या तो पेडिग्री एनालिसिस कर दो या तो आप जो है क्रॉस बता दो ठीक है यस सेक्स लिंक्ड होता है बिल्कुल ठीक है यस yes, चलो यस लिंक्ड रेसेसिव नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों नहीं आ रहा अच्छा oh. जगह दे दिया कोई नहीं हाँ तो चार साल की लड़की थी जेनेटिक रिप्लेसमेंट थेरेपी उसको दिया गया क्यों दिया गया एंड वॉज एडवाइज टू रिविजिट पीरियोडिकली बार 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 उसको बोला कि बार 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 तुमको जो है हॉस्पिटल आना ही पड़ेगा क्वेश्चन ये है कि एलिमेंट्स का नाम बताओ कि गर्ल वॉज सफरिंग फ्रॉम बी बोला है कि वाई डिड द ट्रीटमेंट प्रोवाइडेड टू द गर्ल रिक्वायर्ड रिपीटेड विजिट बार बार क्यों आना पड़ रहा था देखो ये एक ऐसा टॉपिक है जिसपे हर हर सैंपल पेपर में क्वेश्चन मिलेगा इनफैक्ट हो सकता है कि इस साल के पेपर में भी ये क्वेश्चन आए ठीक है मतलब नॉट एक्सैक्टली इन दिस फॉर्म बट ये क्वेश्चन आता है हर बार आता है ये कंसेप्ट क्वेश्चन आता है ये yes? बिल्कुल जीन थेरेपी उसको दिया गया वेरी नाइस एडीए वेरी नाइस एडीए हुआ था यानी कि एडिनोसाइन डीएमआईनेस यस एडीए डेफिशिएंसी हुआ है इसको ये एंजाइम नहीं बन रहा उसके बॉडी में ये जिसके वजह से उसके बॉडी में तकलीफ हो रही है अब इसके लिए उसको जो है जीन थेरेपी करवाना पड़ रहा है अब ये जीन थे सॉरी एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी करवाना पड़ रहा है जो उसको बार 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 करवाना पड़ता है ये जीन थेरेपी अलग है बट यहां पर उसको क्या करना आना पड़ रहा है एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी कर रही है ना वो यस yes. तो एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी जब तक वो करती रहेगी तब तक उसको बार बार क्या करते हैं एंजाइम थेरेपी में पहले बताओ कि क्या करता है मार्क्स नहीं मिलेगा वरना कि आपका फंक्शनल एडीए जो काम करने वाला एडीए है उसको डायरेक्टली पेशेंट के अंदर इंजेक्ट कर दिया जाता है ना अब ये पूरी तरह से नॉट कंप्लीटली क्यूरेटिव नॉट कंप्लीटली क्यूरेटिव ठीक नहीं होता ये पूरी तरह से इसलिए रिविजिट करना पड़ रहा है उसको बार बार ठीक yes. है यस क्या बात है वेरी नाइस शिवा यस वाई बिकॉज आपके जो लिम्फोसाइट होते हैं ये सब क्या है ये सेल्स जो हम डाल रहे हैं ये सब क्या है ये इमोटल है मर जाएंगे एक पार्ट के बाद एक शॉर्ट टर्म ही रहेंगे उसके बाद आपको रिविजिट करके वापस से ठीक करवाना ही पड़ेगा ठीक है यस चलो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी पे आते हैं व्हाट इज सक्सेशन हाइड्राकेशन सक्सेशन क्या होता है प्लांट्स का सक्सेशन होता है ये बराबर प्लांट्स का सक्सेशन होता है हाइड्रॉक सक्सेशन क्या होता है इसमें धीरे 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 कैसे ग्रो हो रहा है पूरा इकोसिस्टम कैसे बन रहा है पहले हाइड्रॉक है पानी होगा हाइड्राक है तो पानी होगा बिल्कुल पानी होगा पहले एकदम शैलो सा वाटर होगा यस शैलो पानी पानी होगा ठीक है जैसे कि लेक्स हो गया आपका पॉन्ड हो गया ये सारी चीजें हो गई यस फिर उसमें क्या होगा

कौन सा मैराथन चाहिए तुमको वो तो बोर्ड एग्जाम के टाइम पे चाहिए ना या अभी चाहिए अभी तो केमिस्ट्री कर रहे हो ना तुम लोग yes. ये कौन से चैप्टर का है बेटा ये भी तुम्हारे वो लास्ट यूनिट का ही है सब यस yes, रोशनी कब चाहिए मैराथन बेटा मैराथन मैं तो सोच रही थी तुम लोग केमिस्ट्री फिजिक्स का एग्जाम कर लो पहले वही है फिर उसके बाद बायो का है तो बायो के टाइम पे धड़ा धड़ धड़ा धड़ जो है Uh, तुम लोग को पूरा बायो करवा दूंगी मैं तो जूलॉजी का डिपार्टमेंट संभाल रही हूँ ना तुम लोग तो छह चैप्टर है जूलॉजी के छह चैप्टर ऐसा लगातार तुम को क्वेश्चन करवा करवा के करा दूंगी इनफैक्ट क्वेश्चन अब तुम लोग अगले हफ्ते भी केमिस्ट्री पढ़ रहे हो बट मैंने सोचा चलो तुम लोग एटलीस्ट एक घंटा तो निकाल सकते हो ना दिन का एक घंटा तो निकाल सकते हो तो एक घंटे के लिए मैंने सोचा तुम लोग को चलो तुम लोग रिवाइज नहीं कर सकते तुम्हारे पास खुद से सेल्फ स्टडी करने का टाइम नहीं है एटलीस्ट क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ये बिना टाइम पास किए क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए एटलीस्ट एक घंटे के लिए आ जाना नेक्स्ट वीक जो है मैं तुम लोग का

फ्राइडे को करवा दूंगी बायोटेक्नोलॉजी यानी कि बायोटेक के दोनों चैप्टर्स तो ऐसे पांच के पांच दिन में छह चैप्टर्स हमारा जो है मैं तुम लोग एक घंटे बस आना मैं बहुत ही अच्छे 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 एनसीआर के क्वेश्चन जो है निकाल के तुम लोग को सोल्व करवा दूंगी ठीक है बाकी तुम लोग वन शॉर्ट्स का मैराथन का उसका बिल्कुल टेंशन मतलब मैं पूरा का पूरे चैप्टर सारे चैप्टर्स तुम लोग रिवाइज करवा दूंगी मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करवाऊंगी जब हम तुम लोग का एग्जाम आ जाएगा फिलहाल केमिस्ट्री और फिजिक्स करते रहो बाकी आके बस क्वेश्चन सॉल्व करके चले जाना ठीक है यस ओके okay. कब है बायो के एग्जाम ट्वेंटी सेकेंड से पेपर है हाँ बिल्कुल जानती हूं मैं ट्वेंटी सेकेंड से पेपर है इसलिए तो बोला बायो के एग्जाम के पहले तुम लोगों को करवाऊंगी मैं ये सेवन <coughs> मार्च को केमिस्ट्री का अरे कोई तो बोल रहा था मुझे ट्वेंटी एट को केमिस्ट्री का कोई बोल रहा है नाइनटीन को है कोई बोल रहा है सात को है कोई बोल रहा है उन्नीस को है क्या चल रहा है अच्छा यूपी बोर्ड का ओके 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 यूपी बोर्ड का ओहो अच्छा फिर तो प्रॉब्लम हो जाएगी हम्म hmm. चलो कोई ना हम दो बार करवा देंगे कब है तुम्हारा उन्नीस तारीख को नहीं बाईस तारीख को बाईस तारीख को है ना तुम्हारा कब है आ, बायो का पेपर कब है यूपी बोर्ड वाले सीबीएसई का तो मुझे पता है बहुत टाइम है फिजिक्स और केम के बाद है बायो मुझे पता है उन लोगों का टेंशन नहीं है उन लोगों का तो मैं करवा दूंगी अभी जिसने बोला कि अभी है इस महीने तुम्हारा केमिस्ट्री का है ओके हाँ तो मतलब सबका मार्च में ही है ना बायो का मैं मैं यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम से हूँ हाँ ठीक है बायो का कब एग्जाम वो तो बताओ 19 को बायो का है, 29 फ़रवरी जो टेलीग्राम चैनल है ना बायो हमारा है। बायोहैंकर्स जिसमें तुम लोग ग्रुप पे लिख सकते हो मैसेजेस लिख कर सकते हो ये बायोहैंकर्स के टेलीग्राम चैनल पे एक बार मुझे बस बता देना तुम लोग यस किसका एग्जाम बायो का बायो का एग्जाम डेट कब है यस Uh, जो भी बायो का एग्जाम डेट होगा ठीक है अपना बोर्ड बता देना कौन से बोर्ड से हो तुम लोग ठीक है और तुम लोग को मैराथन कब चाहिए मैराथन डेट चाहिए कि तुम लोग प्रिपरेशन के लिए कब आओगे क्योंकि मेरे को फालतू का करवाने का को कोई शौक नहीं है तुम लोग आओगे तो ही मैं करवाऊंगी ठीक है yes. यस

लिंक नहीं है टेलीग्राम का इसीलिए तो बोल रहा हूं ढूंढो टेलीग्राम पे जाओ सर्च बार में जाओ तुम लोग अभी तो इतने स्मार्ट हो ऐसा ही करता है ना यस उसको सर दबाओ वहां पर लिखो बायो हंकर्स और फिर आ जाओ जुड़ जाओ और कोई भी डाउट है तो वहां पर पूछ लेना या फिर काजल सिंह नीट 2024 सर्च कर लो मिल जाएगा ठीक है बस यही ओके चलो एनीवे गाइस लेट्स कंटिन्यू जरा का क्या था जरा का Yes. आपके ज़राक के जो होते हैं ये आपके होते हैं लाइकेंस है कि नहीं ज़राक का कौन होता है लाइकेंस होता है बराबर एवरी है ना हाइड्राक का कौन सा होता है फाइटो, प्लांक्टन्स. फाइटो प्लांक्टन्स होते हैं बराबर कि नहीं है कि नहीं जेराक का पाइनियर कौन है लाइकिन हाइड्राक का कौन है फाइटन ठीक है जेड एल जेड एल एच पी यस yes? Okay. Depict with the help of simple sketches the representation of global diversity of major taxa of plants, invertebrates, and vertebrates. Or elaborate how elaborate how invasion by an alien species reduces the diversity of an area. Yes. Depict with the help of simple sketches. No problem, रोशनी इसका ऐसे मैं आंसर तुम लोग टेलीग्राम चैनल पर भी शेयर करूंगी ठीक है इसके पीडीएफ में शेयर कर दूंगी तुम लोग को ये क्वेश्चन पेपर का और आंसर्स uh, आंसर्स का भी पीडीएफ शेयर कर दूंगी ठीक है Yes. बायोडाइवर्सिटी डिफरेंट होती है यानी कि जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स होते हैं हमारे प्लेट पर हमारे अर्थ पर बराबर प्लांट्स हो फ्लावरिंग प्लांट्स हो उसमें हम देखते हैं कि एनजियो है एलगे है लाइक है ऐसे इस तरीके से डेवलपमेंट भी होता गया हाँ या ना बराबर ना वर्टिब्रेट्स में देखा जाए तो वर्टिब्रेट्स में अगर देखने जाए वर्टिब्रेट्स क्या है वर्टिब्रेट्स में नो, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है बराबर जो कि वर्टिब्रेल कॉलम में कन्वर्ट हो जाता है गैस yes? राइट ओ रोशनी हैज द टेलीग्राम चैनल वेलकम टू बायो यस फिर बाकी आ जाते हैं आपके उसमें कैसे फिशेस बर्ड्स फिर फिर मैमल्स है कि नहीं यस yes. तो इस तरीके से आप क्या बना सकते हो आपको पाई चार्ट दिया हुआ है है ना पाई चार्ट दिया हुआ है आप वो पाई चार्ट को यूज करके आप वो कर सकते हो दिखा सकते हो ठीक है समझ में आया तो इसमें क्या होती है सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा फिशेज होती है हो बराबर बाकी सब इक्वली बांट दो ये आपका क्या हो जाएगा ये आपके मैमल्स हो जाएंगे तो फिर थोड़ा ज्यादा कौन होते हैं आपके बर्ड्स होते हैं yes वैसे ये क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत कम है क्योंकि इतना थोड़ी रटने बोलेगा आपको यहाँ पर आ जाएगा आपके रेप्टाइल्स और यहाँ पर आ जाएगा आपका एम्फीबियंस राइट right, एवरीवन मैम आपका पिंक कलर का अरे यार इशू आ गया तुम आ गए तुम लोग फिर से हे hey भगवान तुम लोगों का पता नहीं कैसे एग्जाम क्लियर हो जाएगा एन में भी है ना हाँ है एनसीआरटी में भी है ठीक है यस ये ग्राफ एनसीआरटी में है इसीलिए तो तुम को बोला बट मुझे नहीं लगता ऐसे पूछेंगे तुम लोग को बताने नहीं के, बोलेंगे कि ऐसे रटो क्योंकि ये गलत हो जाता है ना इनवर्टिब्रेट्स का अलग हो गया वर्टिब्रेट ऐसा क्वेश्चन आएगा भी तो या तो तुम लोग पढ़ लो अब जब तुम लोग को पता चल गया कि ऐसा भी पूछ सकते हैं तो पढ़ लो वैसे तो मुझे नहीं लगता कि पूछना चाहिए ऐसे

Yes, everyone. जब एलियन स्पीशीज आती है चाहे वो प्लांट फंगाई हो प्लास माइक्रो ऑर्गेनिजम हो जब वो एंट्री करती है तो क्या होता है एनवायरमेंट के अंदर घुस गया ये फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द नेचुरल हैबिटेट बराबर फिर क्या करेगा वो रिप्रोड्यूस करेगा अरे यार क्या चला गया आंख में फिर वो रिप्रोड्यूस करेगा बराबर रेपिडली रिप्रोड्यूस करेगा कंपीट करने लगेगा जो नेटिव स्पीशीज हैं उनके उनके साथ कंपीट करने लगेगा और बहुत ज्यादा अगर वो उसको लगा कि ये फेवरेबल कंडीशन है तो वो तो फुल एकदम मतलब बोलते हैं ना कि हल्ला बोल कर देगा वहां पर और हल्ला बोल करके क्या कर देगा कि भाई तुम लोग हटो मेरा राज यहाँ पर चलेगा बराबर की नहीं यस यानी कि वो फुल आउट कम्पीट करेगा नेटिव जो स्पीशीज है उनको और वहां पर फूड पानी स्पेस हर चीज के लिए जो है वो लड़ने लगेगा बराबर यस फाइट फॉर फूड वॉटर एंड स्पेस राइट ठीक है इस तरीके से वो बायडाइवर्सिटी खराब कर देता है उस पर्टिकुलर एरिया का चलो सेक्शन सी आज हमारा बहुत स्पीड में चल रहा है आंसर आज बहुत स्पीड में सॉल्व कर रहे हैं हम लोग इंपॉर्टेंट रोल इन प्रोमोटिंग इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं ब्रीडिंग के लिए प्रोग्राम के लिए वर्ल्ड ओवर में हाउ आर पोल रिजर्व इन दोलन बैंक एक्सप्लेन करो स्कोर हाउ आर हाउ आर यूज हाउ आर सच बैंक सब क्वेश्चन ध्यान से पड़ा करो और उस हिसाब से मार्किंग स्कीम के हिसाब से मार्क किया करो ये हमारा कौन सा है सेक्शन सी है यानी कि क्वेश्चन कितने मार्क का आएगा तीन मार्क का तीन मार्क का यानी एटलीस्ट मिनिमम कितने लिखना है छह पॉइंट पॉइंट छह वैलिड पॉइंट्स तो मिनिमम होने ही चाहिए तभी जाके आंसर मिलेगा वरना आंसर का मार्क्स नहीं मिलेगा ठीक है यस पहली बात पोलन बैंक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बिल्कुल सही बात है उसको क्या कहते हैं हम एक सी टू कंजर्वेशन कहते हैं एक्सिटू कंजर्वेशन हो कि नहीं बरबर यस ये कैसे प्रिजर्व करते हैं क्रायो क्रायो बस लिख दो क्रायो प्रिजर्वेशन खुश हो जाएगा वो चेक करने वाला उनको समझ जाएगा कि तुम लोगों को चीजें समझ में आ गई हैं क्या अच्छा भाई बहुत ज्यादा ठंडे टेम्परेचर में नेगेटिव टेम्परेचर में लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर स्टोर करके रखते हैं बिल्कुल यस अब पोलन बैंक का फंक्शन क्या है यस पोलन बैंक का फंक्शन क्या है मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि ये जो है प्रिजर्व करता है प्रिजर्व करता है बायोडाइवर्सिटी

यस yes. अब ये क्यों होता है उसका भी लिख दो आंसर कि भाई ये जितना लो टेम्परेचर है ना तो उससे क्या होगा लॉन्गर टाइम तक वो प्रिजर्व रहेगा क्यों क्योंकि वो उसका क्या कम कर देता है ग्रोथ रेट कम कर देता है ठीक है सेल्स को ग्रो नहीं करने देता गॉट इट यस प्रिजर्वेशन ऑफ सीजनल क्रॉप बहुत सही राइट right. समझ में आया गॉट इट ये सारे पॉइंट लिख दोगे चलो नेक्स्ट मेंडेलियन मेंडल ने पब्लिश किया हिज वर्क ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर 1865 में बट इट रिमेन्ड अनरिकोगनाइज 1900 तक ये किसी ने जाना ही नहीं किसी ने समझा ही नहीं बेचारे को भाव ही नहीं मिला गिवे गिव थ्री रीजन फॉर द डीले इन एक्सेप्टेंस आखिर क्यों ऐसा क्यों हुआ इतनी ना इंसाफी क्यों हुई मेंडल के साथ जिसके वजह से उसको जो है इतना काम करने के बाद भी लोगों ने पहचाना नहीं तीन रीजन देने हैं पहला पहला रीजन हर एक पॉइंट uh, का एक मार्क होगा यस yes. पहला रीजन क्या था जल्दी बताओ क्या था वो रीजन कि मेंडल को भाव नहीं मिला पहली बात उसके पास इतना सोशल मीडिया नहीं था इंस्टाग्राम नहीं था टेलीग्राम चैनल नहीं था है ना ये सारी चीजें नहीं थी कम्युनिकेशन ही नहीं था भैया लैक ऑफ कम्युनिकेशन लैक ऑफ कम्युनिकेशन लोगों को बताएगा कैसे कुछ था ही नहीं तभी कुछ पता ही नहीं चला यस yes, पब्लिसिटी ही नहीं थी कुछ उसके काम की लोगों को समझ में ही नहीं आ रहा था उसका काम वो काम तो कर रहा था वो अपना बता रहा था बट बाकी लोगों को उतना समझ में ही नहीं आ रहा था कि भाई ये बोलना क्या चाहता है तो कुछ भाई पब्लिसिटी हुई नहीं समझ में आया नहीं क्यों ऐसा क्यों हुआ क्योंकि उसका जो कंसेप्ट था वो जो फैक्टर को लेके जो सारी थ्योरीज बता रहा था ये है वो है ये लॉज ऑफ इनहेरिटेंस है ऐसा है वैसा है यस जो बोल रहा था डिस्क्रीट डिस्क्रीट यूनिट यूनिट है है कुछ तो फैक्टर है कुछ तो फैक्टर है अरे कुछ तो फैक्टर मतलब क्या अब तुम हवे में बोलोगे यहाँ पे कुछ तो है कुछ तो है तो मम्मी एक चपेट नहीं लगाई क्या है भाई कुछ नहीं दिख रहा है यहाँ पे क्या बोल रहा है बकास कर है तो एक रीजन ये था कि वो जिस फैक्टर्स की बात कर रहा था यस वो जिस जीन्स की बात कर रहा था उस टाइम पर हमको पता नहीं था

एक्सेप्ट किया था कि एक्सप्लेन करने का बायोलॉजिकल फिनोमिन को विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिक्स वो एक्सेप्ट ही नहीं किया कि इसने ऐसे कैसे कर सकते हो बायो बायो है मैथ्स मैथ्स है आप कैसे मिक्स कर दिया आपकी हिम्मत कैसे हुई मिक्स करने की ठीक है जैसे कुछ बच्चे होते हैं ना मैम मैं तो मैथ्स का स्टूडेंट हूँ बायो क्या है बायो बकवास है फिर बायो के स्टूडेंट्स बोलेंगे अरे मैथ्स क्या है मैथ्स बकवास है बिट नहीं भाई कोई किसी कोई भी सब्जेक्ट कंप्लीट नहीं है हर एक सब्जेक्ट जो है इनकम्प्लीट है एक दूसरे के बिना आपको बायो भी लगेगा ट्वेल्थ तो तक तो सारी चीजें पढ़नी चाहिए है। है? तो बायो में यूज कर लिया ये बहुत गलत किया बहुत नॉन साइफी किया यस तो भाई कोई एक्सेप्ट करने को रेडी ही नहीं था ठीक है यस नेक्स्ट क्वेश्चन वाई डू यू सी two different types of replicating strands in the given DNA uh, replication four. Explain, name these strands. Yes, ये जो strands हैं, ये हमको अलग-अलग क्यों दिख रहा है? मतलब ये अलग continuous strand दिख रहा है, ये ऐसा टूटा हुआ strand क्यों दिख रहा है? पहली बात तो इनको नाम करना है. Yes. तो DNA dependent DNA polymerase catalyzes करता है, ये क्या हो रहा है? DNA का uh, क्या हो रहा है? Yes. What is this? Yes. और मैथ्स बोथ यस इवन आई वाज पीसीएमबी, सी सो यस तो एक होगा आपका फाइव प्राइम टू थ्री प्राइम वाला बैंड है और एक है आपका दूसरा यस, yes? तो बताओ फाइव प्राइम टू थ्री प्राइम वाला जो है यस, द डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलिमरेज कैटेलाइज करता है पॉलीमराइजेशन रिएक्शन ओनली इन वन डायरेक्शन है ना ये आपका डायरेक्शन है किसका डायरेक्शन ऑफ डीएनए पॉलीमरेज बरोबर ये वन ठीक है तो डीएनए पॉलीमरेज़ का डायरेक्शन क्या है फाइव प्राइम टू थ्री प्राइम इस रीजन से जब ये फाइव प्राइम टू थ्री प्राइम ये ऐसे बनता है तो ये जो है बन जाता है आपका लीडिंग ब्रांड लीडिंग ब्रांड बोल रहा हूं लीडिंग स्ट्रैंड। क्यों क्योंकि कंटिन्यूस है ये क्या है कंटिन्यूस है अब यहां पर क्या होता है यहां पर प्राइमर लगाना पड़ता है

डिस्क्राइब करो थ्री डिफरेंट वेज जिसके हेल्प से नेचुरल सिलेक्शन कैन अफेक्ट द फ्रीक्वेंसी ऑफ हेरिटेबल ट्रेड इन पॉपुलेशन यस डिस्क्राइब करो तीन डिफरेंट तरीका कि नेचुरल सिलेक्शन जो है अफेक्ट कर सकता है हेरिटेबल ट्रेड इन द पॉपुलेशन की फ्रीक्वेंसी को तो नेचुरल सिलेक्शन की वजह से क्या होता है यस yes. जहां नेचुरल सिलेक्शन होता है वहां पर क्या होता है दिस कैन लीड टू स्टेबिलाईन यस दिस कैन लीड टू दिसबिलाईजेशन जहां पर क्या होता है जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो मीन कैरेक्टर ले लेते हैं बराबर ये वाला ये वाला ग्राफ कम हो गया ये कम हो गया ये बढ़ गया है कि नहीं टाइप ऑफ ग्राफ दिखता है जहां पर ये जो है मीन वैल्यू जो होता है उसको ज्यादा सबसे ज्यादा फेवर किया जाता है हाँ या ना यस yes. बराबर आ, इसमें आपको अलग 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 दिखाना है एक तो होगा स्टेबिलाईजेशन यस जेनेटिक ड्रिफ्ट माइग्रेशन एक्सेट्रा यस दीज आर द रीजन स्टेबिलाईजिंग फिर एक आ गया आपका डायरेक्शनल एक आ गया डायरेक्शनल डायरेक्शन में क्या होता है बेटा एक को कम वैल्यू मिलती है और दूसरे को ज्यादा यानी कि ये जो है आपका मीन पहले इधर था अब वो शिफ्ट हो गया ये क्या हो गया डायरेक्शनल इसको बिल्कुल वैल्यू नहीं मिली इसको फिर बाद में वैल्यू थोड़ी शिफ्ट हो जाती है ठीक है हो गया डायरेक्शनल तीसरा क्या है आपका डिसरप्शनल अब मीन कोई वैल्यू नहीं मिल रही अब मीन कोई वैल्यू नहीं मिल रही बाकी ये दोनों को वैल्यू मिल रही है यानी मीन का वैल्यू कम ये दोनों को ज्यादा वैल्यू मिल गई ठीक है यस yes, तो वो हो जाएगा गॉड इट एवरीवन चलो

आप फायदा बता दो तो हम लोग सारे डिस्कस करेंगे हम लोग सब लोग ही डिस्कस कर लेंगे ठीक है पहले माइकोरिजा डिस्कस कर लेते हैं ठीक है माइकोरिजा क्या है बेटा बताओ बताओ माइकोरिजा किस हेल्प करता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है यस yes, किसमें हेल्प करता है एब्जॉर्प्शन ऑफ द मतलब रूट्स में चला जाता है यस yes, और क्या करता है एब्जॉर्प्शन ऑफ फास्फोरस फ्रॉम द सोइल राइट यस तो माइकोरिजा का क्या आएगा चलो इधर लिख लेती हूं माइकोरिज़ा का क्या है एब्जॉर्प्शन किसका फास्फोरस का एब्जॉर्प्शन बढ़ा देता है सॉइल के अंदर ठीक है ओके okay. यस yes. फिर दूसरा बात करते हैं एनाबीना का एनाबीना क्या करता है नाइट्रोजन फिक्सेशन नाइट्रोजन को फिक्स करके देता है रूट्स के लिए बराबर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है राइजोबियम क्या करता है राइजोबियम भी आपका नाइट्रोजन फिक्स करता है बराबर ये भी नाइट्रोजन को फिक्स करता है इन टू ऑर्गेनिक फॉर्म्स इट गैस जो क्या करता है प्लांट्स उसको यूज कर नाइट्रोजन फिक्स करना मतलब क्या इस फॉर्म में उसको जो है कन्वर्ट कर देना ताकि वो जो है क्या हो सके प्लांट्स उसको एब्जॉर्ब कर सके राइट right? बराबर चलो तीन का बोला है कि हमको बताना है कि क्या करते हैं चूज कौन सा करेंगे तो ये तीन चूज करेंगे हम लोग फार्मिंग के लिए अब बताना है एप्लीकेशन ऑफ द फॉलोइंग क्या है कि ये जो है स्टार्ट प्रोड्यूस करता है क्या बना मैम ये सैंपल पेपर है बोर्ड्स के लिए यस दीपांशी बिल्कुल सही यस मोनास्कस की बात करें मोनास्कस मोनास्कस क्या करता है बेटा यस yes. मोनास्कस जो है स्टैटेंस प्रोड्यूस करता है क्या प्रोड्यूस करता है स्टैट अब ये स्टैट क्या करेंगे ये स्टैट हमको कमर्शियली कमर्शियली हम यूज कर सकते हैं किस चीज के लिए आपके ब्लड में से कोलेस्ट्रॉल लेवल कम करने के लिए यस yes. जो कोलेस्ट्रॉल लेवल होता है उसको घटाने के लिए ये मोनास्कस से स्टैटेंस रिलीज करवाया जाता है यस गॉट इट एक सेकेंड Wait a second, guys. G. करता है? है? ठीक आकाश कोलेस्ट्रॉल लोवरिंग एजेंट बिल्कुल सही Yes. और कुछ मैंने मिस आउट किया कमेंट मैं दीपांशी मैम ये सैंपल पेपर हाँ बोर्ड्स के लिए है बिल्कुल मैम माइकोरिजा पाइनस में था या साइकस में साइकस में था साइकस में था साइकस क्योंकि पाइनस प्लांट है है ना एसोसिएशन ऑफ फंगाई विद द रूट ऑफ हायर प्लांट्स तो फिर वो तो होगा सिंबायोटिक जो एसोसिएशन है वो हायर प्लांट है पाइनस में होता है ठीक है यस वो लिखने की जरूरत नहीं है फिर हाँ कोलेस्ट्रॉल लेवल कम कर देता है फिर आते हैं मिथानो बैक्टीरियम पे मेथानो मिथानो बैक्टीरियम पे तो मिथानो बैक्टीरियम जो होता है किसके लिए यूज होता है यस yes. ियम बताओ किसके लिए यूज होता है बायोलॉजिकल ये क्या करता है अभी हमने देखा था कि आपका बायोलॉजिकल जो रिएक्शन होता है यस बायोलॉजिकल रिएक्शन होता है बायोगैस जो बनाना होता है हमको उसमें क्या होता है बायोलॉजिकल जनरेशन ऑफ बताओ 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 बताओ, 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 बताओ एनेरबिक प्रोसेस करता है ये एनोरोबिक रिएक्शन होता है एनरोबिक रिएक्शन करके क्या बनाता है मीथेन गैस बनाता है है कि नहीं सबसे ज्यादा मीथेन गैस बनाता है जो बायोगैस का मेजर कंपोनेंट है राइट? Right? फिर आते हैं ट्राइकोडर्मा पे ट्राइकोडर्मा ट्राइकोडर्मा क्या करता है यस। एक किस चीज का एजेंट है ये? ये है इम्यूनो सप्रेसेंट इम्यूनो सप्रेसेंट है ये। ठीक है इम्यून सिस्टम को कम करने में हेल्प करता है क्या करके साइक्लोस्पोरिन ए रिलीज करता है क्या करता है साइक्लोस्पोरिन आई होप ये सब चीज जो है आपका ये जो माइक्रोब्स का चैप्टर ये तो मैंने तुम लोग को पढ़ाया नहीं है बट ये तुम लोगों को जो है सलमान सर ने पढ़ाया होगा तो आई होप सबके पास लिस्ट रेडी होगी प्लीज इसको पढ़ने का एक ही तरीका है कि आप लिस्ट तैयार कर लें रट्टा नहीं मारे और उसको दो तीन बार जो है कभी भी आपको टाइम मिले दिन में आप थक जाते हैं तो उसको बस स्कैन थ्रू करते रहें दो तीन बार आपके नजर के सामने से जाएगा स्कैन थ्रू होगा स्कैन थ्रू होगा और समझ के लो समझ के लो कितने बार कोलेस्ट्रॉल की बात हो रही है हो कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड तो मैंने मोनास् पढ़ा था क्यों क्योंकि उसमें रिलीज होता है ऐसे दो तीन बार किसी किसी ना किसी को बता दो बस बता दो मैं बता रही हूँ दिस इज द बहुत लेमेस्ट

ठीक है, बेस्ट तरीका है ये जो है दो तीन बार जो है ये ट्रिक अपनाओ और दो तीन बार लोगों से इसके बारे में बात करो आपको सारी चीजें अपने आप याद होने लगेंगी ठीक है यस चलो हाउ इज बीटी कॉटन प्लांट क्रिएटेड एज अ जीएम प्लांट हाउ इज इट प्रोटेक्टेड अगेंस्ट बॉल बॉर्म इन्फेस्टेशन अब बीटी कॉटन कैसे बनता है भाई यहां पर हम यूज करते हैं आर डी एन ए टेक्नोलॉजी है ना आर डी एन टेक्नोलॉजी का हम यूज़ करते हैं बराबर इसमें क्या प्रेजेंट होता है कि यहाँ पर जो आपका बीटी कॉटन होता है यस yes. इसके पास वन और मोर फॉरेन जीन्स होते हैं जो कि आपका बैक्टीरियम जो आपका बैसिलस थुरिन जेनेसिस है बीटी थैंक यू सो मच आकाश यस बेटा बायो बायो पायरेसी पायरेसी यानी चोरी करना पायरेसी पायरेट बोलते थे थे ना जो जो अपने ये पायरेट्स पायरेट्स घूमते यस क्या करते थे डाका डालते थे ये भी वही है कि किसी के काम पर डाका डालना किसी के मेहनत पर डाका डालना किसी ने कुछ सर्च किया किसी ने पेटेंट किया उसका चोरी करना क्या आप किसी के काम को अपना काम बताना मैंने काम किया भाई काम किसी और अपने उसको कॉपी कर दिया तो वो क्या है पायरेसी हो गया ठीक है, यस। ओके एनी वे हाँ चलो कमिंग बैक टू दिस टॉपिक कि हाँ बैसिलस आपका बैक्टीरिया बैसिलस टूरेन ये डिजायर्ड जीन लिया जो कि क्या करता था एक प्रोटॉक्सिन बनाता था जिसको कंज्यूम करते ही जो हमारा इंसेक्ट था उसके अल्कलाइन गट में जाते ही वो टॉक्सिक बन जाता था तो हमने वो जीन ले लिया कि अच्छा यही वो जीन है

Yes, मतलब वो प्रोटॉक्सिन्स उसके अंदर होंगे जैसे ही इंसेक्ट उसको खाएगा ये प्रोटॉक्सिन उसके अल्कलाइन गट के अंदर जाकर बन जाएगा, जो उसके पूरे गट को छेद 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 कर देगा ठीक <laughs> है यस <Yes>. समझ में आया <laughs> बिल्कुल तो ऐसे होता है ठीक है आकाश किसको बुलाने बोल रहे हो सलमान सर को चलो, पे question number 27. आज बहुत किया -फट हमने हमने घंटे के अंदर हमने almost कितने ना अभी चल रहा है हमारा, 33 बचे है हमारा ना, ना, करना चलो ठीक है, बहुत सही स्पीड से किया आज हम लोग ने थैंक यू गाइस एक्सप्लेन करो स्ट्रक्चर ऑफ इंसुलिन एंड हाउ इंसुलिन तुम लोग का एग्जाम जितना नजदीक आ रहा है तुम लोग को इतना धीमे धीमे वाला सेशन चाहिए नहीं तुमको चाहिए फास्ट फॉरवर्ड बताओ रिविजन करवाओ और बस बात खत्म करो जितना स्लो स्लो करूंगी जितना लिक लिक के आराम आराम से करवाऊंगी उतना तुम्हारा टाइम वेस्ट होगा और मैं नहीं चाहती कि तुम लोग इस समय टाइम वेस्ट करो ठीक है मैं तो बैठ सकती हूँ कैमरा के सामने मेरे को कोई तकलीफ नहीं है मैं आराम से तुम लोगों के साथ लाइव बैठूंगी यस चार घंटे बोलो पांच घंटे बोला मेरे को कोई तकलीफ नहीं है बट मैं नहीं चाहती कि तुम लोग का समय बर्बाद हो है ना यस हाय त्रिशूल चलो ओके क्वेश्चन है एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ इंसुलिन हाउ इंसुलिन इज सिंथेसाइज्ड इन ह्यूमंस और मैमल्स तो इंसुलिन क्या है पहले तो इंसुलिन के बारे में लिखो कि बेटा इंसुलिन जो होता है ये हमारा क्या है हार्मोन है है ना ये क्या है हार्मोन है कौन प्रोड्यूस करता है पैनक्रियास प्रोड्यूस करता है बराबर क्या करता है ग्लूकोज के लेवल को यस, लेवल ऑफ ग्लूकोज को घटाता है मतलब क्या करता है सेलुलर अपटेक ऑफ ग्लूकोज को बढ़ाता है सेलुलर अपटेक ऑफ ग्लूकोज को बढ़ाता है जितना सेल्स लेंगे जिसके वजह से क्या होगा यस, yes, ग्लाइकोज़न बनेगा ग्लाइकोजन बनना चालू हो जाता है लिवर के अंदर ग्लूकोज टूटकर ग्लूकोज जुड़कर बन जाता है ग्लाइकोजन में समझ में आया यस यानी कि क्या ये हाइपरग्लाइसिमिया है या फिर सॉरी हाइपरग्लाइसेमिक हॉर्मोन है या हाइपोग्लाइसिमिक हॉर्मोन तो आप लिखोगे ये है हाइपोग्लाइसिमिक हॉर्मोन यस क्यू क्योंकि ये ग्लूकोज को आपके ब्लड के अंदर से लेवल कम कर देता है समझ में आया यस ठीक है अब अब इसके स्ट्रक्चर के बारे में बताना है कि बेटा ये इंसुलिन जो है अल्फा चेन और बीटा चेन ये दो चेन से बना होता है ठीक है ए एंड बी और ये दोनों चेन कनेक्टेड होते हैं दीज आर कनेक्टेड कौन से इससे पेप्टाइड बॉन्ड से किससे कनेक्टेड किस होते हैं पेप्टाइड बॉन्ड से कनेक्टेड होते हैं जिसका मिडल वाला जो होता है उसको कहते हैं सी पेप्टाइड क्या कहते हैं सी पेप्टाइड ठीक है जैसे ही इसका स्टिमुलेशन होता है जैसे ही इंसुलिन स्टिमुलेट होता है कि अब काम करने की बारी आ गई यस yes, तो क्या होता है इंसुलिन इज सिक्रेटेड फ्रॉम द बीटा सेल्स यस बीटा सेल से पैनक्रियास का जो बीटा सेल्स है उससे आपका इंसुलिन जो है वो सिक्रीट हो जाता है जैसे ही स्टिमुलेशन होगा स्टिमुलेशन कैसे होगा ब्लड में ग्लूकोज बढ़ा है ना ब्लड का शुगर बढ़ गया ब्लड का शुगर बढ़ गया स्टिमुलेट किया किया? बी बी सेल्स सेल्स को, ने क्या इंसुलिन बनाया। इंसुलिन बनाने के बाद क्या होगा? Yes, को बढ़ा देगा. Yes, बनाने लगेगा आपके फैट सेल्स आपके जो लिवर सेल्स हैं उनको जाके बोलेगा चलो जल्दी जल्दी ग्लूकोज को उठाओ और ग्लाइकोजन बनाओ ठीक है जिससे क्या होगा कि आपके ब्लड में का ग्लूकोज जो है वो घटने लगेगा समझ में आया यस yes. चलो स्टडी द ग्राफ गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन राइट द स्टेटस ऑफ फूड एंड स्पेस इन द कर्व ए तो ये दिया है पॉपुलेशन की डेंसिटी और ये दिया है समय ठीक है तो यहां पर ए जो है ए का ग्राफ ये ए के ग्राफ के इसमें बोला है कि स्टेटस ऑफ फूड एंड स्पेस इन द ग्राफ ए एंड बी अनलिमिटेड छे? यस yes. ए ग्राफ के इसमें कैसा है अनलिमिटेड फूड एंड स्पेस अनलिमिटेड तभी तो ये ऐसा एकदम ऊपर जा रहा है एक्सपोनेंशियल इंक्रीज बराबर यस yes. दूसरा क्या है बी बी का देखोगे तो भाई बी एक टाइम पर लिमिट हो रहा है यानी कि ये क्या है लिमिटेड फूड एंड स्पेस एवरीवन लिमिटेड होगा बराबर बी होगा लिमिटेड सेकंड क्वेश्चन पूछा है इन एब्सेंस ऑफ प्रीडेटर अगर प्रीडेटर नहीं है विच वन ऑफ द टू कर्व्स वुड अप्रोक्सीमेटली डिपिक्ट प्रे पॉपुलेशन यस प्रे होगा एक प्रीडेटर होगा अगर है ही नहीं यस yes, अगर बोल रहा है कि प्रीडेटर है ही नहीं तो कौन सा होगा कर्व ए कि भाई प्रीडेटर नहीं है प्रीडेटर तो नहीं है कॉम्पिटिशन नहीं, हाँ, yes, नहीं, नहीं है कोई किसी को मारने नहीं आ रहा फुल यस ठीक है फिर क्या बोला है फिर क्या बोला है क्वेश्चन नंबर थ्री हा टाइम हैज बीन नोन

Yes, everyone. ये dotted line का क्या मतलब है ये डॉटेड लाइन एक तरीके से क्या हम कह सकते हैं कि ये जो है मैक्सिमम बता रहा है कि देखो ये ये है। है है। इसके आ, मतलब मतलब पर जो सबसे ज़्यादा क्या मिलेगा? क्यों क्योंकि यहाँ पे खत्म हो रहा है ना देखो ये मैक्स है ये जरा मैक्स पॉपुलेशन है इससे ज्यादा नहीं ग्रो होगा ठीक है, है. इससे ज्यादा ग्रो नहीं नहीं होगा होगा खाना पानी क्या दे रहे हो उसे पड़ता है कि मैक्स ग्रो नहीं ठीक है number, okay, 29 30 जो है है इससे ज़्यादा ठीक जो सेक्शन डी में आ गए सेक्शन डी यानी चार मार्क का क्वेश्चन आएगा चार मार्क यानी एटलीस्ट आठ आठ पॉइंट्स लिखने अगर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है तो ठीक है चलो क्वेश्चन नंबर 29 स्टडी द फ्लो चार्ट गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलोस एस स्ट्रेन डाला माइस के अंदर माइस मर गया फास्ट स्ट्रेन डाला माइस के अंदर माइस जिंदा है हीट किल्ड स्ट्रेन डाला लिविंग आर स्ट्रेन के साथ इनटू द माइस तो क्या होगा और हीट किल्ड एस स्ट्रेन डाला डीएनए के साथ विथ लाइव आर स्ट्रेन माइस के अंदर तो क्या होगा बताओ यस yes. हम्म hmm. जब हीट किया हमने ये ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट है हमारा यस yes. जब हमने यस yes, क्या हो गया आकाश क्या हो गया सैड फेस क्यों? Sad face, क्यों बेटा ओके ठीक है माइस मर गया गैस yes, बिल्कुल सही माइस मर गया बेटा ठीक है फिर क्या होगा विद्या को क्या होता है जब आप हीटिंग करते हो बाई हीटिंग देम क्या हो गया ग्रिफिथ ने क्या कर दिया बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय कर दिया यानी कि उसने बोला कि ही फाउंड दैट दे वर नॉट डिस्ट्रॉयड बाई हीट किल्ड एस्ट्रेन यस हीट किल्ड एस्ट्रेन से नहीं मर रहे थे बैक्टीरिया से

समझ में आया उसने क्या कंक्लूड किया he concluded, conclusion आपने बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कि क्या किया बेटा, conclude ये किया बेटा? उन्होंने कि जब heat killed a strain, bacteria, जब डाला था he, that somehow transform कर दिया बैक्टीरिया को और जो ट्रांसफॉर्म हुआ हीट एस प्रेशर से सब ट्रांसफॉर्मिंग थ्योरी आई यस yes, कि कुछ तो हुआ कुछ तो गड़बड़ हुआ जिसकी वजह से आर स्ट्रेन ने क्या कर दिया मार दिया ठीक है yes. Transforming factor, Mendel वाले को इसने proof किया कि भाई कुछ तो कुछ कुछ तो कुछ तो कुछ तो तो गड़बड़ है 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 हो रहा है। ठीक है? यानी के के पास पास क्या हुआ के पास जो है, आ, आ, कोट था yes जिसके वजह मतलब से वो वायरल बन गया और दिस में जेनेटिक रीजन जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर की उसके पास वो पॉलीसेक्राइट कोट आ गया पहले नहीं था ना अब आ गया yes. चलो ये तो तो हमने डिस्कस कर लिया। Name the scientist. Haan, तो भाई ये हमारे ग्रिफिथ ग्रिफिथ जी थे। Frederick Griffith, Griffith थे। ठीक yes. है। फिर आता है कि हमारा राइट द स्पेसिफिक कंक्लूजन तो कंक्लूजन क्या था स्टेप फोर का कंक्लूजन क्या था उन्होंने कंक्लूड किया फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने कंक्लूड किया दैट हीट किल्ड लिख देती हूँ मैं चलो क्या कंक्लूड किया बेटा कि हमारा जो हीट किल्ड एस स्ट्रेन था यस yes, उसने क्या किया दी अगर ये प्रेजेंट है अगर ये प्रेजेंट है तो ये ट्रिगर करेगा तो ये क्या करेगा यस yes, ये ट्रिगर करेगा जिसके वजह से क्या होगा आर स्ट्रेन का आर स्ट्रेन का ट्रांसफॉर्मेशन होगा यस आर स्ट्रेन का क्या होगा ट्रांसफॉर्मेशन होगा ये सर्टन आस्ट्रीन जो उसको वायरूलेंट बना देगा जो क्या बना देगा उसको वायरूलेंट बना देगा जो पहले वायरुलेंट नहीं था यानी कि एक मटेरियल मटेरियल को उन्होंने रेफर किया एज ट्रांसफॉर्मिंग थ्योरी ठीक है गॉडेट यस yes, बट उन्होंने ये नहीं बताया कि वो बायोकेमिकल कैरेक्टर ऑफ द ग्यारे जीनोमिक क्या था ठीक है उन्होंने सिर्फ ये बताया कि हाँ भाई ये ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है Why this experiment is called as transforming principle? अब क्वेश्चन वही पूछा है कि इसको ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल क्यों बोला तो उसके लिए आप लोग वही लिख सकते हो जो अभी हमने डिस्कस किया यही पॉइंट ये 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 इसीलिए इसको ट्रांसफॉर्मिंग थ्योरी कहा जाता है ठीक है तो हमने ओवरऑल सारा ही डिस्कस कर लिया राइट right? देखो कितने है ना इन लोग अगर देखो तुमको सिर्फ इतना पूछेंगे तो भी तुमको पूरा लिखना पड़ेगा तुमको सिर्फ ये पूछेंगे तो भी लिखना पड़ेगा यानी कि उन लोग ने एक्चुअल में तुम को कोई ऑप्शन नहीं दिया है <laughs> लिखना तो दोनों में एक ही चीज पड़ेगी ठीक <laughs> है यस yes. आ जाओ क्वेश्चन नंबर थर्टी करता है तीन और क्वेश्चन है यस yes. <laughs> वही क्वेश्चन घुमा के पूछा हाँ ऐसे पकड़ो या ऐसा ना पकड़ो एक ही बात है बस ऐसे ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी ऐसा लगता है कि ओ बस ऐसे पकड़ना है ठीक है बट लिखना तो वही पड़ेगा यस yes, ऐसे गुगली क्वेश्चन क्या करें अभी <laughs> चलो क्वेश्चन नंबर द डायग्राम शोज ऑफ रेट्रोवायरस इन द होस्ट नोट द आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन पहला क्वेश्चन है फिल इन द मिसिंग डेटा इन द बॉक्सेस लेबल्ड वन एंड टू कौन सा आया ये वाला बॉक्स नहीं पता ये वाला बॉक्स नहीं पता

पहला ऑप्शन क्या होगा वायरल डीएनए इनकॉरपोरेट्स इनटू द होस्ट जीनोम ये हम लोग ने कल भी किया था तो आज तुम लोग बताओ मुझे वायरल जेनेटिक मटेरियल इन न्यूक्लियस ऑफ द होस्ट वायरल आरएनए इज बीन इंट्रोड्यूस्ड इनटू दिस सेल ये तो सही बात है कि वायरल जो है आ गया अंदर यस yes. फिर क्या होगा वायरल डीएनए प्रोड्यूस होगा बिल्कुल वायरल डीएनए बनेगा पहले कैसे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करके ठीक है वायरल डीएनए बन गया वायरल डीएनए फिर वायरल जेनेटिक मटेरियल इन द न्यूक्लियस ऑफ द होस्ट इनकॉपरेट हो जाएगा वायरल डीएनए इनकॉपरेट इन टू द होस्ट जीनोम, फिर टू बनेगा टू क्या होगा वायरल आर एन ए है ना पहले ये बनेगा वायरल डीएनए ठीक है फिर ये वायरल डीएनए एन इनकोपरेट हो जाएगा जीनोम में जो बनाएगा क्या एम आर एन ए ना यानी वायरल आर एन ए बनाएगा अब ये वायरसेस कम आउट ऑफ द होस्ट एंड न्यू वायरसेस कैन बी इन्फेक्ट यस तो दूसरा क्या होगा वायरल आर एन ए बनेगा बिल्कुल सही यस त्रिभुवन आकाश परफेक्ट यस तो ये हमारा ये तो हमने कर दिया फिलअप कर दिया हमने दूसरा है इज इट कॉल्ड एज वायरस जिसके पास एनवलप है इनकोडिंग कोडिंग आर एन ए जीनोम तो उसको हम रेट्रोवाइरस कहते हैं

क्योंकि वो तो अपना अलग से वायरल आर बना रहा है उससे तो कोई लेना देना है ही नहीं वो अपना ढेर सारा वायरल आर ए बना के वायरस बनाते जा रहा है बट जो अपना मेन डीएनए है वो तो स्टेबल है यानी जो सेल इन्फेक्ट हुआ है वो भी जिंदा है बिल्कुल जिंदा है समझ में आया यस yes. चल नेक्स्ट पे आते हैं सेक्शन ई व्हाट इज जीएमओ कली किया था हमने जीएम ओ क्या होता है लिस्ट एनी फाइव पॉसिबल एडवांटेजेस ऑफ जीएम ओ टू अमर या फिर ड्रॉ लेबल्ड स्केच ऑफ असमिकेशन बताओ जीएमओ hmm. क्या होते हैं अब जीएमओ कौन कौन हो सकता है यस yes, जीएमओ एक प्लांट हो सकता है जीएमओ एक फंगाई हो सकता है जीएमओ एक बैक्टीरिया हो सकता है यस yes. बराबर कोई एक एनिमल हो सकता है कुछ भी हो सकता है कुछ भी हो सकता है कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो सकता है जिसको हम क्या कर रहे हैं जिसके जेनेटिक मटेरियल को क्या किया जाता है छिड़खानी की जाती है मेनिपुलेशन किया जाता है यस yes. जिसको क्या किया जाता है मेनिपुलेशन किया जाता है अब ये मैनिपुलेशन करने की वजह से क्या होगा यस yes. <coughs> बिल्कुल एग्जाम्पल दे सकते हो तुम लोग रोजिकावेनोल का यस इनको कहते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म ठीक है अब ये क्यों करते हैं जैसे बहुत ज्यादा अबायोटिक स्ट्रेसेस हैं अबायोटिक स्ट्रेसेस बहुत सारे अबायोटिक स्ट्रेसेस जैसे बहुत ज्यादा सैलिनिटी होना बहुत ज्यादा सलाइन होना यानी बहुत ज्यादा सॉल्ट होना यस या फिर बहुत ज्यादा कोल्ड होना या फिर पानी बहुत कम होना पानी कम होना यानी कि क्या ड्रॉट होना यस yes. ऐसा कोई भी अगर स्ट्रेस स्ट्रेस कंडीशन होता है अबायोटिक स्ट्रेसेस होते हैं जिसमें प्लांट्स को ग्रो करना है तो उनको उसके लिए क्या किया जाता है रेजिस्टेंट किया जाता है रेजिस्टेंट बनाया जाता है और ऐसे ही क्रॉप्स को हम कहते हैं जीएमओस कि उनको इस तरीके से जेनेटिकली मैनिपुलेट करो कि वो ऐसे ऐसे स्ट्रेस कंडीशन में भी जिंदा रह सके समझ में आया यस समझ में आया बिल्कुल

येस yes, ये सारे पॉइंट लिख दे रेजिस्टेंट अगेंस्ट द पेस्ट उसको जो है आ, आ, बहुत ज्यादा टेम्परेचर मतलब स्ट्रेस में अबायोटिक स्ट्रेस का एक दो, पेस्ट का एक एक पॉइंट पॉइंट लिख लिख दो दो पेस्ट ट्रांसजेनिक एनिमल का कि प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए येस yes, वो सब चलो अब बनाते हैं हम स्टर टैंक पहले क्या आएगा यहाँ पर एक आ जाएगा आपका एक, एक ऐसा गोला जो कि टाइमर टेम्परेचर से देख रहा है ऐसे ऐसे ठीक है मशीन के ऊपर ठीक है फिर यहाँ पे एक मोटर बनाना इस तरीके से कि ये मोटर घूमता रहेगा ये ये क्या है है आपका मोटर है जो घूमता रहेगा ठीक है ठीके? फिर वो मोटर है। ओके रुको हम लोग शेप ले लेते हैं मैं बहुत वाहियाद बना रही हूँ यहाँ पर हम लोग ऐसे नीचे रख देंगे इसको घुमाने के लिए ये मोटर से क्या मोटर क्या घुमाएगा यस मोटर घुमाएगा ऐसे इस तरीके से बना देना ये ये ऐसा स्टीयर टैंक है ना तो कुछ तो ऐसा मथने के लिए चाहिए ना स्टीयरिंग करने के लिए ये इस तरीके से बना दिया ठीक है अब ये इसको घुमाएगा 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 ठीक है अब आप टैंक बनाओगे तो इधर से अरे रुको 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 रुक। एक यहां से ये लाइन एक यहां से ये लाइन ठीक है अब बहुत इंपॉर्टेंट फीचर वेरी इंपॉर्टेंट फीचर जिसपे मार्क्स मिलेगा यस वो क्या है ये भाई बॉटम है इसका ऐसे बनाना गलती से भी स्ट्रेट लाइन नहीं बनाना ठीक है बॉटम उसका ऐसे बनाना ऊपर से भी ऐसे बनाना सिलेंड्रिकल होगा यस yes, एकदम ऐसा नहीं होना पड़ेगा ठीक है यस और फिर यहां पर जो है यस yes, यहां पर एक हवा जाने के लिए स्टराइल एयर क्यों क्यों हवा क्यों डालनी है बबल आएंगे ना बुड़बुड़ 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 बुड़ बुड़ होगा बराबर यस वो yes. बुड़बुड़ करना क्यों जरूरी है अगर वो बुड़बुड़ बुड़ नहीं हो रुको 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 मेरा फोन का बैटरी गया रुको हाँ। अगर वो बुड़बुड़ बुड़बुड़ बुड़ नहीं हुआ तो क्या होगा यस तो फिर एरेशन बराबर नहीं होगा बराबर से मिक्सिंग नहीं होगी ठीक है फिर आप यहाँ पर एरो दे के दिखा दो कि ये ना गोल गोल घुमा रहा है और इसके अंदर आप क्या डालोगे कल्चर डालोगे ये आप डालोगे कल्चर ब्रॉथ इसके अंदर ठीक है स्टेप वाइज कि आप इसके अंदर कल्चर ब्रॉथ डालोगे ये क्या है ये आपके ब्लेड्स हैं फ्लैट ब्लेड्स यस ब्लेडेड इंपेलर इंपेलर्स होते हैं है कि नहीं इंपेलर यानी यही घुमाते हैं बराबर यस yes. ये सबसे ऊपर वाला जो होता है यहां पर ये yes. सबसे ऊपर वाला जो होता है इसको हम कहते हैं फोम ब्रेकर क्या होता है फोम ब्रेकर कि ये फोम बनने नहीं देता क्योंकि आप देखो ना कोई भी चीज जब आप इवन कोल्ड कॉफी बनाते हो और जब आप मिक्सी चलाते हो बहुत तेजी से मिक्सी चलाते हो ऊपर क्या होता है फोम बन जाता है फोम अपने को नहीं चाहिए फोम से प्रॉब्लम होगा है ना यस yes, एरेशन में प्रॉब्लम होगा फिर यहाँ पर और क्या डालना है हमको एक चीज तो चाहिए ना यहाँ पर तो एक चीज तो बनाने भूल गए हम लोग कंट्रोल के लिए एसिड बेस पीएच कंट्रोल आपको करना है तो यहाँ पर पीएच कंट्रोल के लिए यहाँ पे चाहिए अपने को बराबर यस समझ में हैं फिर यहां से हम लोग स्टीम भी तो डालते हैं एक जगह से हम लोग स्टीम भी डाल रहे हैं यस तो यहां पर आपका डाल दो कि यहां से क्या डाल रहे हो आप स्टीम को इनपुट कर रहे हो स्टीम फॉर स्टरलाइजेशन आप यहां से स्टीम को डाल रहे हो स्टरलाइजेशन करने के लिए बराबर और ये यहाँ से ऐसे डिवाइड कर देना बस हो गया इतना ही पॉइंट है बस लेबल्स ये या ये प्रैक्टिस करने के लिए सिर्फ आपने लेबल पे ध्यान देना है कि लेबल्स आपके क्लियर होने चाहिए अगर आपके लेबल्स क्लियर हैं तो आपको डायग्राम के लिए उतना सु, आपको सुंदर वो किसी का शक्ल नहीं बनाना है ठीक है गॉट इट यस हेलो अंकित बराबर चलो नेक्स्ट चीज पे आते हैं थर्टी टू सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा ठीक है है और थोड़े भी लिख देना कि लार्ज वॉल्यूम जो होता है उसके लिए मतलब आपका हजार लीटर तक का बायो होता है उसके लिए बनाते हैं इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस होता है इनका बायो प्रोडक्ट्स बनाने में यूज होता है ठीक है वो सब लिख देना ओके okay? यस yes, आ जाओ क्वेश्चन नंबर थर्टी टू अब ह्यूमन रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन है कि गिवन बिलो इज द डायग्राम ऑफ ह्यूमन स्पर्म यस सराउंडेड बाय स्पर्म्स सॉरी uh, ओवम है ओवम है ये ओवम है जो कि स्पर्म से सराउंडेड है है ठीक विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्पर्म वुड रीच द ओवम अर्लियर इसमें से कौन पहुंचेगा सबसे नजदीक वाला यही है सबसे नजदीक यही सबसे पहले पहुंचेगा ए ही पहुंचेगा अरे ये क्वेश्चन तो रिपीट हो गया है ना uh, कल या परसों वाले इसमें भी यही आया था राइट यस yes. फिर दूसरा पूछा है कि आइडेंटिफाइड डी एन ई लेवल तो ई कौन सा है भैया ऊपर वाला है ई ई कौन सा होगा जोना पेस्टिडा यस yes. उसके बाहर का कौन सा होगा डी है डी कौन सा है कोरोना रेडिएटा बराबर की नहीं यस yes. अंदर वाला कौन सा होगा जोना पेलुसिडा डी वाला कौन सा होगा दिस इज योर ये बड़े बड़े जो हैं ये वाले, ये वाले आपके कोरोना रेडिएटा ठीक है तीसरा क्वेश्चन पूछा है मेंशन व्हाट हेल्प्स द एंट्री ऑफ स्पर्म इनटू द ओवम एंड राइट द चेंजेस मेंशन करो क्या हेल्प करता है आपके स्पर्म को एंट्री करने के लिए यस yes. तो एंट्री करने के लिए कौन चाहिए Yes? यस बताओ कौन चाहिए एंट्री करने के लिए मैम नमस्ते हाँ हम्म ठीक है मुझे पता है तुम वापस करना चालू करोगे बट कोई नहीं <laughs> yes. ओके मेंशन व्हाट हेल्प्स द स्पर्म स्पर्म को हेल्प कौन करता है गैस yes.

फिर आता है नेम द स्पेसिफिक रीजन इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम वेर द इवेंट रिप्रेजेंटेड इन द डायग्राम प्लेस यानी कि पूछा है कि भैया फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है फेलोपियन ट्यूब में तो सिर्फ इतना लिखोगे तो आधा मार्क मिलेगा पूरा लिखोगे कि फेलोपियन ट्यूब के कौन से रीजन में एम्प्यूलरी रीजन में एम्प्यूला में मिलेगा है या नहीं ठीक है ये एम्प्यूला रीजन में फर्टिलाइजेशन होगा बराबर यस वेरी नाइस ओके थर्टी टू एक्सप्लेन दूसरा ऑप्शन दूसरा क्वेश्चन एक्सप्लेन दिनल ऑफ ह्यूमन फीमेल फेज फॉलिकुलास करना है प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैं इन फैमिली प्लानिंग डू यू एग्री विद द स्टेटमेंट प्रोवाइड रीजन फॉर द फॉलोइंग पहली बात तो आपको फेजेस एक्सप्लेन करने हैं. बराबर अब आपको करना है, तो आप एक-एक करके करोगे. पहले आप चालू करोगे menstrual phase के के साथ. साथ. पहले हम चालू करेंगे menstrual phase के साथ। क्या होता है बेटा यहाँ पे ब्लीडिंग हो रही है है ना मेंस्ट्रुअल फेज में क्या होता है स्टार्टिंग के तीन से पांच दिन तक डे दे वन से स्टार्ट होता है डे वन से स्टार्ट होता है तीन से पांच दिन तक क्या होती है यहाँ पर आपको ब्लीडिंग होती है बराबर अब ये ब्लीडिंग में क्या हो रहा है क्या लिख रही हूं मैं <laughs> हो जाता है कभी-कभी हो जाता है यस yes. ब्लीडिंग <laughs> में क्या हो रहा है बेसिकली आपका जो एंडोमेट्रियम है वो टूट रहा है यस yes. प्लस आपका जो अनफर्टिलाइज यस yes, ये सब जो है टूट के बाहर आ रहा है

ठीक है अब मेंस्ट्रुअल होने के बाद आप बोलेगा ठीक है ना इस बार नहीं हुआ नेक्स्ट टाइम होगा तो वापस से क्या होगा आपका फिर से एक रिलीज होगा डेवलप होगा बराबर तो पहले आपका एक प्राइमरी होगा ये बनेगा प्राइमरी फॉलिकल फिर बनेगा सेकेंडरी फॉलिकल फिर ये सेकेंडरी फॉलिकल बनेगा टर्शरी फॉलिकल फिर ये डेवलप करके फाइनली बनेगा ग्राफियन फॉलिकल है कि नहीं ग्राफियन फॉलिकल अब ये कैसे बना कैसे बना क्योंकि हाइपोथलामस ने यस हाइपोथलामस ने गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज किया जिसने पिट्यूटरी को बोला जिसने पिट्यूटरी को क्या बोला क्या रिलीज करो एलएच रिलीज करो एंड एफएसएच रिलीज करो ठीक है तो एलएच एफएसएच रिलीज हो गया जिसमें से एफएसएच क्या करता है फॉलिकल्स को डेवलप करने लगता है फॉलिकल्स को डेवलप करने लगता है समझ में आया गॉट इट को डेवलप करने लगता है इसी टाइम पर ये भी मेंशन कर दो मतलब खुश हो जाएगा एकदम एग्जामिनर खुश हो जाएगा कि आए हैं बच्चे ने कितना लिखा है यस yes, इसी टाइम पर ये भी मेंशन कर देना कि जो डेवलपिंग फॉलिकल्स है ये yes, जो डेवलपिंग फॉलिकल्स है वो क्या रिलीज करते हैं बच्चा डेवलपिंग फॉलिकल्स जो है ईस्ट्रोजन रिलीज करते हैं क्या रिलीज करता है ईस्ट्रोजन रिलीज करता है समझ में आया

ल्यूटियम कॉर्पस ल्यूटियम और ये कॉर्पस ल्यूटियम क्या बनाने लगा प्रोजेस्टेरोन और ये क्या करने लगा एंडोमेट्रियम की लाइनिंग को बिल्डअप करने लगा यही होता है ना गैस yes, यही होता है कि नहीं तो अपने सारे स्टेजेस लिख दिए बस इतना ही लिखना है आपको आपको तीन स्टेजेस लिखने बोले ना क्वेश्चन में हमको तीन ही स्टेजेस बोले ल्यूटियल फेज फॉलिकुलर फेज एंड आपका मेंस्ट्रुअल फेज हमने लिख दिया तीनों फेज लिख दिया ठीक है फिर नीचे दिखाया अ प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट है भैया क्यों इंपॉर्टेंट है फैमिली प्लानिंग के लिए क्योंकि अगर आप बच्चा करना चाहते हैं अगर आप बच्चा करना चाहते हैं तो आप क्या करें 10 से लेकर यस 10 से लेकर 17th डे तक यस जब सबसे ज्यादा चांसेस हैं पहली बात तो आपको डे मेंशन करना पड़ेगा कैलेंडर मेंटेन करना पड़ेगा कि आप इतने डे का 28 पहले आप मैं ट्वेंटी एट से ट्वेंटी जिस दिन ब्लीडिंग चालू हुई जिस दिन ब्लीडिंग चालू हुई वो बन जाता है डे वन वो बन जाता है सबसे ज्यादा चांसेस मैक्सिमम मैक्स चांस यस ये इसमें होता है सबसे मैक्सिमम चांसेस टू गेट प्रेग्नेंट क्यों क्योंकि डे फोर्टी पर क्या होता है मेरे बच्चों यस डे फोर्टीन पर क्या होता है

समझ में आया इट अरे भारद्वाज बस कर यार थोड़ा पढ़ाई भी कर ले छोड़ दे अब ठीक है यस नेचुरल मेथड्स की बेटा पीरियडिक एप्सडेंस की इस टाइम पर जो है अवॉइड क्वाइटस अगर उस टाइम पे क्वाइटस से नहीं करे तो फिर आपका फैमिली प्लानिंग प्रॉपर रहेगा गॉट इट ठीक है यस यस उत्कर्ष <laughs> चलो तो ये क्वेश्चन हमारा ये क्वेश्चन आ गया ना भगवान कसम प्लीज अटेम्प्ट करना बहुत है मेंस्ट्रुअल साइकिल है जिसमें आपका मार्क्स कभी नहीं जाएगा समझे आप यस चलिए हैं आखिरी दो सवाल पर यस लार्ज नंबर ऑफ मैरिड कपल्स इन वर्ल्ड आर चाइल्डलेस सोचो Yeah, पर लोग डर रहे हैं और लार्ज पॉपुलेशन मैरिड कपल जो है चाइल्डलेस है बच्चा पैदा नहीं हो रहा इट इज शॉकिंग टू नो दैट इन इंडिया द फीमेल पार्टनर इज ऑफन ब्लेम्ड फॉर द कपल्स बीन चाइल्डलेस जबकि ऐसा केस नहीं है मैक्सिमम टाइम पे लड़कों में ही प्रॉब्लम निकलती है मतलब मेजोरिटी ऑफ द केसेस में क्वेश्चन वन है कि औरतों को ही सबसे ज्यादा ब्लेम किया जाता है किसके वजह से हो गया पिछला थॉट प्रोसेस है इलिटरेसी है बराबर अन है फर्टिलिटी के बारे में कुछ आइडिया नहीं है सेक्स एजुकेशन के बारे में कुछ पता नहीं है जिसकी वजह से क्या हो जाता है कि लोगों को लगता है कि भाई कुछ नहीं हुआ चलो फीमेल को ब्लेम कर दो कुछ नहीं हुआ फीमेल को ब्लेम कर दो हाँ है ना बराबर यस तो इस केसेस में फीमेल को यूजुअली इलिटरेसी एंड अवेयर अन अवेयरनेस की वजह से यस पिछड़ा सोच के वजह से सोशल ईविल में लोग जो है ऐसे जिनको पता ही नहीं है तो वो हर चीज के लिए फीमेल को इनफीरियर समझ के उनको ब्लेम करने लगते हैं आप ये सब जो है अपने थॉट प्रोसेस में लिख सकते हैं इट स yes. दूसरा क्वेश्चन पूछा है स्टेट एनी टू फॉर द कॉज ऑफ इनफर्टिलिटी आखिर क्या हो सकता है इनफर्टिलिटी का रीजन दो मेजर रीजन क्या हो सकता है यस yes. अब कुछ भी हो सकता है अब फीमेल्स की बात करें तो फीमेल्स में अलग है ओविलेशन नहीं हो रहा ओवम नहीं निकल रहा ठीक है अगर फीमेल्स की बात करें ओवम नहीं निकल रहा रिलीज ही नहीं होता ओवम बन ही नहीं रहा है फीमेल के बॉडी में या फिर ओवम बढ़ रहा, रहा है बन रहा है बट आपका जो यूट्रस है उसका जो एनवायरमेंट है वो अच्छा नहीं है वो बच्चे को रख नहीं पा रहा है ठीक है इम्प्लांट नहीं कर पा रहा है तो ये भी एक रीजन है तो ऐसे दो रीजन लिख दिया मेल्स के केस में अगर पूछा जाए इनफर्टिलिटी का तो क्या हो जाएगा स्पॉम काउंट कम है मोटिलिटी कम है स्पॉम बनी नहीं रहा बराबर से स्पॉम की मोटिलिटी नहीं हुई है स्पॉमिएशन नहीं हुआ है ठीक है बहुत सारे रीजन हो सकते हैं राइट चलो ओके uh, okay. uh, आकाश इरेग्यूलर मेंस्ट्रुअल साइकिल का मतलब ये नहीं होता है कि वो पै, बच्चा पैदा नहीं कर सकती तो ये पॉइंट कभी मत लिखना हाँ कॉम्प्लिकेशंस आते हैं बट इसका मतलब ये नहीं कि वो बच्चा पैदा नहीं कर सकती ठीक है यस चलो हम्म um, हम्म हाँ क्वेश्चन uh, थ्री है सजेस्ट अ टेक्निक जो हेल्प कर सकता है कपल को टू हैव अ चाइल्ड द द प्रॉब्लम इज विद मेल पार्टनर अगर मेल पार्टनर में प्रॉब्लम है तो आप क्या क्या टेक्निक यूज कर सकते हो ठीक है पहले तो आप सीधा गैमेट ट्रांसफर कर सकते हो आईसीएसआई कर सकते हो है ना इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन कर सकते हो कि अच्छा स्पर्म की काउंट बहुत कम है ठीक है स्पर्म को लिया और सीधा इंजेक्ट कर दिया ओवम के अंदर और फिर उसको फेलोपिन ट्यूब में डाल दिया ठीक है यस yes, आईसीएसआई कर सकते हो एक मेथड वो है बराबर अब ये किस चीज को ट्रीट करने के लिए कर रहे हो अगर उसमें डिफेक्टिव डिसऑर्डर क्या है वो भी बताओ आप लोग कि यहाँ पर क्या है प्रेजेंस ऑफ स्पर्म विद एबनॉर्मल मॉर्फोलॉजी ये भी तो हो सकता है टेट्राजूस्पर्मिया मॉर्फोलॉजी बराबर नहीं है वो मूव नहीं कर पा रहा मोटिलिटी बहुत कम है टेट्राजूस्पर्मिया बराबर से स्पर्मिएशन uh, हुआ ही नहीं है गॉड इट यस चलो हम्म hmm. फिर नेम एंड एक्सप्लेन सर्जिकल डिसएडवांटेज सर्जिकल मेथड कौन सा है पहला फेलोपियन ट्यूब को कट करके नॉट कर दिया तो उसको क्या कहेंगे ट्यूबेक्टॉमी है कि नहीं ट्यूबेक्टॉमी एक आपका वास्ट डिफरेंस को कट कर दिया

इवन इफ द कपल इज हैविंग अनप्रोटेक्टेड सेक्स कोई चांस ही नहीं है प्रेग्नेंसी का ठीक है yes. यस और दूसरा डिसएडवांटेज क्या है कि देर इज नो इिवर्सिबिलिटी इसिबिलिटी सॉरी रिवर्सिबिलिटी no यानी कि यहां पर इिवर्सिबल होता है ये एक बार करवा लिया आपने फिर आपके पास जो है इसको आप बोलोगे अब नहीं अब वापस ठीक कर दो तो उसके चांसेस बहुत लो है ठीक है प्यरली इसिबल uh, ठीक है ठीक है रिवर्सिबिलिटी नहीं है इट समझ में आया कॉन्टेंट चलो ओके फिर हमारा सारा सवाल हो चुका है सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए हैं कल मिलते हैं कल हम तुम लोग का बायोटेक्नोलॉजी के क्वेश्चन मैं सॉल्व करवाने वाली हूँ कल यानी कल हम लोग बायोटेक का एप्लीकेशन एंड प्रोसेसेस दोनों ही टॉपिक करवाऊंगी मैं कल दो बजे मिलेंगे हम लोग कल ठीक है टुमारो तु, वी हैव हाँ ओनली वन सेशन विच इज एट टू पी एम बायोटेक्नोलॉजी के प्रोसेस एंड एप्लीकेशन दोनों चैप्टर हम लोग क्वेश्चन करेंगे एनसीआरटी के एग्जैक्टली वन पॉइंट सेवन आर लगा क्या बात है यार <laughs> क्या गैस <guess> मारा था यस <laughs> yes, बट आज फिर भी जल्दी कर दिया पिछले बार तो ऐसा हो गया था कि दो घंटे लगे गए थे है ना बट आज हमने बहुत फास्ट फास्ट किया मज़ा आया आज बहुत मजा आया थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग टिल द एंड ऑफ द सेशन इट वाज फन शेयर इट विद ऑल योर फ्रेंड्स उनको भी पता चलने दो और कल की क्लास के लिए रेडी हो जाना दो बजे मिलने वाले हम लोग फिर मैं तुम लोग को अगले हफ्ते का भी स्केड्यूल बता दूंगी ठीक है अब भी बता देती हूँ एक्चुअली रुको अगले हफ्ते का स्केडूल क्या होगा हम लोग नेक्स्ट वीक जो है दो लाइव क्लासेस होंगी ठीक है दो लाइव क्लासेस और प्लस मैं रिकॉर्डिंग्स भेजूंगी तुम लोगों को तो रिकॉर्डिंग्स का तो टेंशन ही नहीं है रिकॉर्डिंग तो तुम लोगों को बायो हैंकर्स के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा तो रिकॉर्डिंग्स के लिए तुम लोग सीधा सीधा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो उस पर लिंक मिल जाएगा या फिर यूट्यूब पे बेल आइकन दबा दो तो आप लोग को फटाक से नोटिफिकेशन चला जाएगा ठीक है यस तो दो लाइव क्लासेस हैं एक आपकी होगी पाँच बजे ठीक है एक होगी पांच बजे जो कि एंड इलेवें के प्लेटफॉर्म पर होगी जहां पर हम लोग ट्वेल्थ स्टैंडर्ड के टॉपिक्स के क्विजेस करेंगे एनसीआर से डायरेक्टली और फिर हम लोग जो जो है नेक्स्ट होगा होगा वो सेवन हो पीएम को नेक्स्ट क्लास जो होगी वो सेवन पीएम को होगी जो कि नीट के प्लेटफॉर्म पे होगी इलेवेंथ के टॉपिक्स करेंगे तो जो बच्चा नीट देना चाहता है वो इलेवंथ को बिल्कुल भी स्किप ना करे इलेवंथ के टच में रहे तो मैं ये नहीं कह रही सेल्फ स्टडी करो बिल्कुल मत करो बट क्लास में आ जाओ क्वेश्चन अटेंड करो बीस तीस क्वेश्चन अटेंड करो ऐसा फीलिंग आएगा अंदर से कि हाँ मैं कुछ तो पढ़ाई कर रहा हूं ठीक है थोड़ा मूड भी फ्रेश हो जाएगा थोड़ा बोर्ड एग्जाम के जोन से भी बाहर आ जाओगे स्टैंडर्ड के टॉपिक के टच में भी रहोगे रिविजन भी होता रहेगा और बस एक घंटे की बात है आ जाना क्वेश्चन सोल्व करना चले जाना ठीक है यस उत्कर्ष और किसी को कोई डाउट पूछना है हाय अजेंद्र यस डाउट बायोडाइवर्सिटी बेटा फिलहाल ऑन एम आई एम टीचिंग ओनली जूलॉजी बिकॉज हमने बांट दिया है सब्जेक्ट सलमान सर है ना सलमान अनवर खान यस तो सलमान सर जो है सलमान सर आपके बॉटनी पढ़ा रहे हैं तो बायोडाइवर्सिटी वो सब चैप्टर सलमान सर कवर करवा रहे हैं मैं आप लोग का जूलॉजी के चैप्टर्स कर, कवर करवा रही हूँ ठीक है इसीलिए आप नेक्स्ट वीक का जब देखोगे एम बाई पर क्लास कब है यही टाइमिंग है बेटा फाइव पी एम एंड सेवन पी एम ये आपका ऐप आप पर भी होगा प्लस आपका वाई टी पर भी होगा ठीक है तो आपको जो कंफर्टेबल लगता है आप उस पर आके ज्वाइन कर सकते हैं इट इज एब्सोल्युटली फॉर फ्री ठीक है चलो ओके अच्छा किसी को अगर हैंड रिटन नोट्स चाहिए इफ यू गाइस नीड हैंड रिटन नोट्स तो उसके लिए भी आप लोग जो है टेलीग्राम चैनल पर एक्टिव हो सकते हो हैंड रिटन नोट्स के लिए तो हमारा मेरा जो टेलीग्राम चैनल है बायो हेंकर्स वहां पर आप लोग जो है कनेक्ट कर सकते हो मेरे साथ वहां पर मैं आप लोग को शेयर करते रहती हूँ ठीक है लेकर लास्ट चैप्टर तक पूरा बायोलॉजी का आपके पास हैंड रिटन नोट मैंने भेज दिया पीडीएफ ठीक है yes. करेंगे ना उत्कर्ष कल पूछूंगी कल दो बजे आना कल दो बजे आना कल बायोटेक्नोलॉजी के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम लोग ठीक है यस yes. चलिए इट गाइस थैंक यू सो मच कल मिलते हैं दोपहर के दो बजे टिल देन कीप स्टार्टिंग स्टे रिलैक्स काम योर सेल्फ डाउन गेस्ट स्टे अवे फ्रॉम डिस्ट्रेक्शन एंड कीप एम्बाइविंग कीप एम्बाइविंग वी बिलीव इन यू